greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for the second day of this series of Bible studies. हमारे इस धर्मशास्त्र के दूसरे संध्याकालीन समय में प्रभु यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में हम आपका स्वागत करते हैं. The subject for this Bible study is Bible and Science. इन दिनों में जो विषय वस्तु को लेकर के हम लोग शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं वो है विज्ञान और धर्मशास्त्र. In Bible already many scientific things are written. धर्मशास्त्र में बहुत सारे वैज्ञानिक बातों का उल्लेख किया गया है. Medical benefit facts are written. बहुत सारे सच्चाइयों को हम देखने पाते हैं. Such things, many of those things had been discovered by the scientists and the doctors very late. और ये जो सारी बातें धर्मशास्त्र में उल्लेख किया गया है वैज्ञानिकों ने और वैद्यों ने बहुत बाद में इसको खोज निकाला. They discovered many things in the 16th century only. ये सारी बातों को तो उन लोगों ने 16वीं शताब्दी में खोज निकाला. But even 3000 years back, all these facts are written in the Bible. लेकिन उससे भी पहले 300 साल पहले धर्मशास्त्र में इन सारी बातों का उल्लेख है. So from this we can understand that Bible is the inspired word of God. इन सारी बातों से हम इस बात को जान पाते हैं कि धर्मशास्त्र ईश्वर का प्रेरणा किया हुआ वचन है. So everything is which is written in the Bible of Bible is the inspired word of God. इसी कारण से धर्मशास्त्र में जो भी कुछ लिखा है सब कुछ परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है. If we follow every commandment within the word of God, we can get ready for the coming of the Lord. अगर धर्मशास्त्र में लिखी हुई प्रत्येक व्यवस्था और आज्ञाओं का पालन अगर हम करेंगे तो यीशु मसीह के आगमन के लिए हम अपने आप को प्रस्तुत करने पाएंगे. Yesterday we studied about the circumcision to be done on the 8th day. पिछले संध्याकालीन समय में हमने खतना के संबंध में पढ़ा था कि वो 8वें दिन किया जाना चाहिए. In Genesis 17:12 we read about that. और उत्पत्ति की किताब 17वें अध्याय के 12 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं. In the blood there are two substances by name prothrombin and vitamin K. हमारे लहू में या खून में दो प्रकार के धातु या वस्तु पाया जाता है जिसको प्रोथ्रोम बी और विटामिन के करके कहा जाता है. बिकॉज ऑफ दैट ओनली व्हेन वी आर इंजर्ड द ब्लड गेट क्लॉट एंड द ब्लीडिंग स्टॉप्स. और इस ये दो चीज हमारे लहू में होने के कारण ही जब कभी भी हमारे शरीर में कुछ घाव या घायल अवस्था आता है तो ये जाकर के उसमें जाकर के वो उसको जमा देता है, खून को उसको जमा देता है. दीज टू सब्सटेंसेस प्रोथ्रोम्बिन एंड विटामिन के दे आर गेटिंग फॉर्म्ड इन द बॉडी ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द 5th डे ओनली. और ये प्रोथ्रोम्बिन और विटामिन के जो है एक शिशु के अंदर, एक बच्चे के अंदर उसके जन्म के 5वें दिन से सृष्टि होना शुरू होता है. ऑन द 8th डे इट कम टू द मैक्सिमम लेवल. और 8वें दिन उसके शरीर में वो परिपूर्णता में हो जाता है. सो वेंस इन दैट कंडीशन circumcision is done, then the bleeding will be very less, pain will be less, the wound also will be cured very soon. ऐसे समय में अगर एक बच्चे को खतना किया जाए तो उसका लहू का बहना कम होगा और बहुत ही जल्द उसका घाव सूख जाएगा. So only recently the doctors have found it out, but it has been already written in the Bible. ये तो हाल ही में विज्ञान वैद्य को इस बात का पता चला कि तो धर्मशास्त्र में पहले से ही इसका उल्लेख है. Yesterday I told about a doctor. मैंने पिछले दिन आपको एक वैद्य के बारे में या डॉक्टर के बारे में आपको बताया था. Who introduced the habit of cleaning their hands with water for the doctors. और उसने इस बात का परिचय दिया कि डॉक्टर लोग बहते हुए पानी में अपने हाथों को धोना चाहिए. His name is Semmelweis. और उसका नाम सेमेलवेस है. He introduced this rule in the year 1845. और उसने इस नियम को सन 1845 में लागू किया. Before that the doctors used to clean their hands with cloths. Because of that, lot of infection took place. और इससे पहले जब इस डॉक्टर ने इस बात का नियम लागू किया था, वैद्यों का इस प्रकार का एक एक उल्लक अपने हाथों को कपड़े से पोछा करते थे और इसके कारण से कई प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता था. Bible says an unclean person should clean himself in the running water. धर्मशास्त्र इस प्रकार कहता है कि एक अशुद्ध व्यक्ति बहते हुए पानी में अपने आप को धो करके शुद्ध करे. नाउ डॉक्टर्स आर वेरी हाइजीनिक व्हेन दे गो फॉर द ऑपरेशन. वर्तमान डॉक्टर लोग बहुत ही साफ सुथरा अपने आप को रखते हैं जब वो एक ऑपरेशन करने को जाते हैं. दे आर यूजिंग ग्लव्स ऑल्सो. और उन लोग अपने हाथ में ग्लव्स को भी पहनते हैं. इवन देन बिफोर द ऑपरेशन एंड आफ्टर द ऑपरेशन दे क्लीन देयर हैंड्स इन रनिंग वाटर. इसके बावजूद भी ऑपरेशन करने से पहले, ऑपरेशन करने के बाद उन लोग बहते वे पानी में अपने हाथों को धोते हैं. इन 16th सेंचुरी साइंटिस्ट बाय नेम गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड. और 16वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक जिसका नाम गैलीलियो है उसने इस बात को कहा कि पृथ्वी गोल है.
ही ओनली डिस्कवर्ड टेलीस्कोप और उसी ने दूरबीन या टेलीस्कोप का निर्माण किया. बिफोर दैट ऑल्सो मेनी साइंटिस्ट वर टेलिंग दैट द अर्थ इज राउंड. उससे पहले कई वैज्ञानिकों का ये कहना था कि ये पृथ्वी जो है वो गोल है. बट ओनली गैलीलियो कुड प्रूव इट यूजिंग द टेलीस्कोप. किंतु गैलीली केवल वो वैज्ञानिक है जिसने अपने दूरबीन के माध्यम से पृथ्वी गोल है को साबित किया. देन ओनली एवरीबॉडी अग्रीड. और उसके बाद ही हर एक लोगों ने इसको माना. द सेम सेंचुरी देयर वाज अ साइंटिस्ट बाय नेम आइज़क न्यूटन. उसी शताब्दी में सर आइज़क न्यूटन नाम का और एक वैज्ञानिक था. ही सेड द अर्थ इज हैंगिंग अपॉन नथिंग. और उसने कहा कि ये पृथ्वी शून्य में झूल रहा है. एंड इन द 15th सेंचुरी 15वें शताब्दी में देयर वाज अ पर्सन बाय नेम कोपरनिकस. एक कॉपरनिकस नाम का एक व्यक्ति था. ही ओनली डिस्कवर्ड दैट द अर्थ इज रिवॉल्विंग इन इटसेल्फ. और उसने इस बात को खोज निकाल करके कहा कि पृथ्वी अपनी ही धुरी में घूम रहा है. बट ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी रिटन इन द बाइबल. लेकिन ये सारी बातों का उल्लेख पहले से ही धर्मशास्त्र में है. आइज़ैया 40:22 सेज. यशायाह किताब 40वें अध्याय के 22 वचन में लिखा है. गॉड इज सिटिंग अपॉन द सर्कल ऑफ द अर्थ. हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी के गोल के ऊपर या धुरी के ऊपर विराजमान है. जॉब 26:7 सेज गॉड हैंगेथ द अर्थ अपॉन नथिंग. और आयुब की किताब 26वें अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी को शून्य में झुलाया हुआ है. जॉब 38:14 इट इज रिटन. और आयुब की किताब 38वें अध्याय के 14 वचन में इट इज नॉट वेरी क्लियर इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस. किसी भी भाषा में इतना स्पष्ट रीति से हम इस बात को देखने तो नहीं पाते. बट इफ यू रीड द होल चैप्टर. लेकिन अगर हम पूरे अध्याय को पढ़ के देखें देन अंडरस्टैंड इट टॉक्स अबाउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो हम लोग इस बात को समझने पाते हैं कि वो पृथ्वी के रोटेशन को या घूमने के विषय को वो कह रहा है. अकॉर्डिंग द ओरिजिनल वर्ड यूज इन दिस वर्स इट शुड बी द अर्थ टर्न्स एज ए क्ले इन द पॉटर्स व्हील. और यहाँ पर अगर मूल भाषा का अगर प्रयोग किया जाए तो वो इस प्रकार कहना चाहता है कि वो पृथ्वी को उस कुम्हार के चक्र के समान घुमाता है. सो बाइबल ऑलरेडी हैज टोल्ड दैट द अर्थ इज रिवॉल्विंग इन इटसेल्फ. और धर्मशास्त्र पहले से इस बात को कह रहा है कि पृथ्वी अपनी ही धुरी में घूमता रहता है. एंड जीसस सेड. यीशु मसीह ने कहा. व्हेन ही वाज इन दिस वर्ल्ड. जब वो इस संसार में था. अबाउट द डे ऑफ हिज कमिंग. उसके आगमन के समय के संबंध में. दैट आल्सो शोज दैट द अर्थ इज राउंड एंड इट इज रोटेटिंग. और उसके कहे हुए बातों से भी ये पता चलता है कि ये पृथ्वी गोल है और ये घूम रहा है. इन मैथ्यू 24:27 वी रीड. मत्ती रुचि सुसमाचार के 24वें अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं. द कमिंग ऑफ द लॉर्ड विल बी लाइक द लाइट. परमेश्वर का प्रवेश मसीह का आगमन एक बिजली के चमकने के समान होगा. इट विल टेक प्लेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एट द सेम टाइम. और वो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक वो एक ही साथ एक ही समय में होगा. एंड जीसस सेड व्हेन द कमिंग एट द कमिंग ऑफ द लॉर्ड. और यीशु मसीह ने कहा कि प्रवेश मसीह के आगमन के समय में टू विल बी इन द फील्ड वन विल बी टेकन वन शैल बी लेफ्ट बिहाइंड. दो लोग खेत में होंगे एक उठा लिया जाएगा और दूसरा हाथ छोड़ दिया जाएगा. दैट मीन इट इज डे टाइम. और इसका अर्थ वो दिन के समय को दिखा रहा है. He also said, two will be in one bed, one shall be taken, one shall be left behind. और उसने ये भी कहा कि दो लोग खटिया में होंगे एक उठा लिया जाएगा और दूसरा हाथ छोड़ दिया जाएगा. There is night. और वो रात के समय को दिखाता है. Coming of the Lord will take place at the same time. प्रभु यीशु मसीह का आगमन तो एक ही समय में होगा. But at the time, in some country it will be day, some country it will be night. लेकिन उसी समय जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो एक देश के लिए अगर वो दिन होगा तो दूसरे के लिए वो रात होगा. दिस ऑल्सो शोज दैट आवर अर्थ इज रिवॉल्विंग. और ये भी इस बात का परिचय देता है कि हमारा पृथ्वी जो है वो घूमता है. दिस इज द मॉडल ऑफ अवर अर्थ. ये हमारे पृथ्वी का एक नमूना है. इट्स रोटेटिंग लाइक दिस. और वो इस प्रकार घूम रहा है. रोटेटिंग. सपोज सन इज हियर. मान लो कि सूरज हमारे सामने है. व्हेन द अर्थ इज इन दिस प्लेस. और जब वो पृथ्वी इस स्थान में रहता है. दिस से देयर विल लाइट, दिस से देयर विल डार्क. तो सूरज के सामने वाले भाग में पृथ्वी पर रोशनी गिरने के कारण वो दिन और पिछले भाग में रात होता है. इन अमेरिका व्हेन देयर इज डार्कनेस. जब अमेरिका में रात होता है. अफ्रीका देयर विल लाइट. उस समय अफ्रीका में दिन रहता है. इंडिया व्हेन देयर इज डार्कनेस. जब भारत में रात होता है. इन पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया देयर विल लाइट. उस समय ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में दिन होता है. दिस इज हाउ द अर्थ इज रोटेटिंग. और इस रीति से हमारा पृथ्वी जो घूमता है. एंड आई से होल ईयर ही इज रोटेट अगेन अराउंड द सन ऑल्सो. और ये पूरा पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य का भी परिक्रमा करता है. दिस सन. यहाँ पर हम सूरज को देखने पाते हैं. दिस इज अवर अर्थ. और ये हमारा पृथ्वी है. अर्थ इज रिवॉल्विंग इन इटसेल्फ. और
ये पृथ्वी जो है अपने ही धुरी में घूम रहा है एंड इन दिस लाइन इज गोइंग अराउंड द सन ऑल्सो और उसी समय में वो सूर्य का भी परिक्रमा कर रहा है दैट्स व्हाई वी गेट डे एंड नाइट और यही कारण है कि हमें दिन और रात का परिवर्तन कमिंग ऑफ द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में अफ्रीका इट विल बी डार्क अफ्रीका में अगर रात होगा एंड इन अमेरिका इट विल बी देयर विल लाइट उस समय में अमेरिका में दिन रहेगा टू विल बी इन द फील्ड दो लोग खेत में होंगे टू विल बी इन द बेड इन अफ्रीका दो लोग अफ्रीका में सो रहे होंगे दोस हु आर रेडी दे विल बी टेकन अप दोस हु आर नॉट रेडी दे विल बी टेकन बैक जो लोग उसके आगमन के लिए प्रस्तुत है वे उठा लिए जाएंगे और जो नहीं वो हाथ छोड़ दिए जाएंगे वी शुड लर्न अदर फैक्ट ऑल्सो फ्रॉम दिस ग्लोब ऑफ यूर अर्थ और इस पृथ्वी के ग्लोब के द्वारा और भी कुछ सच्चाई को हम लोग सीख सकते हैं इट इज नॉट स्ट्रेट देखिए ये पृथ्वी ये ग्लोब जो है वो सीधा नहीं है इफ इट इज 90 डिग्री इट शुड बी लाइक दिस वर्तमान इस रीति से खड़ा होने से वो 90 डिग्री में रहता है बट गॉड हैज केप्ट इट लाइक दिस लेकिन परमेश्वर ने उसको इस रीति में टेढ़ा रखा है इट इज एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री ये वर्तमान जिस रीति से वो टेढ़ा है वो 23.5 डिग्री में वो टेढ़ा है व्हाई गॉड हैज केप्ट लाइक दिस क्यों परमेश्वर ने उसको इस रीति में रखा है व्हेन डिड इट हैपन ये कब हुआ In Genesis first chapter we read that उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं When God created the firmament जब परमेश्वर ने आकाश को बनाया In verse 9 we read that और 9 वचन में हम देखते हैं He told the waters under the heaven be gathered together unto one place उसने इस प्रकार कहा कि आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए And let the dry land appear और एक सूखी भूमि दिखाई दे बिफोर दैट ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड वॉज कवर्ड बाई वॉटर इससे पहले कि परमेश्वर ये कहे पूरा पृथ्वी जलमग्न था सो व्हेन गॉड सेड लेट द वॉटर्स अंडर द हेवन गैदर टुगेदर इन वन प्लेस और जब परमेश्वर ने यह कहा कि आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए The earth was turned into 23 degrees. और उस समय में ये पृथ्वी 23.5 डिग्री में टेढ़ा हो गया So all the sea joined together and they came together. और उस समय में पूरा समुद्र या पूरा पानी एक तरफ खसक गया एंड द ड्राई लैंड अपीयर्ड और दूसरी तरफ सूखी भूमि उभर आया इवन नाउ 70% ऑफ दिस वर्ल्ड इज कवर्ड बाय वाटर वर्तमान भी पृथ्वी में 70% पूरा पानी है सो व्हाट एवर बाइबल सेज इट इज हैपेंड इट इज वी कैन से इट इज इन दिस वर्ल्ड नाउ इसी कारण से जो भी कोई धर्मशास्त्र में हम देखते हैं वही वर्तमान की जगत में हम पाते हैं टेलिंग एवरीथिंग द ट्रू थिंग्स ओनली और ये सारी बातें ये सच्चाई को ही बता रहा है सो फ्रॉम दिस वी कैन प्रूव दैट वर्स 9 रियली टुक प्लेस फ्रॉम दिस वी कैन प्रूव वर्स 9:19 जेनेसिस 1:9 और इसके द्वारा हम इस बात को साबित करने पाते हैं कि उत्पत्ति की किताब का पहला अध्याय 9 वचन सत्य है सो व्हेन वी सी ऑल दिस थिंग्स जब हम इन सारी बातों को देखते हैं वी शुड अंडरस्टैंड आवर गॉड इज ए ट्रू लिविंग गॉड हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा जीवित ईश्वर है द बुक वी फॉलो इज ए यूनिक बुक एंड गॉड whom we follow is a unique god aur jis kitab ka hum anusaran karte hain wo ek sachcha jeevit kitab hai aur wo parmeshwar bhi sachcha hai aur jeevit hai many scientific facts many medical facts are already written in the bible 3000 years back aur sare vaigyanik tatv ke satya aur sare chikitsa sambandh ke satya aaj se takriban 3000 saal pehle bible mein iska ullekh hai shall we shout hallelujah for that aaiye hum iske liye khali liye bole hallelujah Okay, but Bible there are some verses. किंतु धर्मशास्त्र में ऐसे भी कुछ कुछ वचने हैं If we simply read them, अगर हम उसको ऐसे ही पढ़े It may seem as if there is contradiction in the word of God. तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि ये सब वचन एक दूसरे के विरोधी हैं Some people they take such verses. कुछ लोग इस प्रकार के वचनों को लेकर के एंड ट्राई टू शो दैट देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन इन द बाइबल और उन लोग इस बात को कहते हैं कि बाइबल में ही वचनों के मध्य में गड़बड़ी है यू मे कम अक्रॉस सच पीपल ऑल्सो और अगर आप इस प्रकार के लोगों के साथ मुलाकात करो सो वी मस्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज राइटली तो आप इस बात को समझना चाहिए कि धर्मशास्त्र में लेकर वह सारी बातें सही है इन फर्स्ट सैमुअल 2:8 पहला शामुएल दूसरा अध्याय का 8 वचन कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है He raiseth up the poor out of the dust and lifteth up the beggar from the dunghill to set them among princes and to make them inherit the throne of glory
for the pillars of the earth are the Lord's, and he had set the world upon them. In the book of Job we have already read, the earth hangs upon nothing. अय्यूब की किताब में हमने पहले से ही पढ़ करके देखा कि परमेश्वर ने पृथ्वी को शून्य में रखा है. देयर इज नो सपोर्ट, उसका कोई भी सपोर्ट नहीं है. एंड इट रिवॉल्व्स इन इटसेल्फ, और वो अपने ही धुरी में अपने आप में घूमता रहता है. बट हियर व्हाट वी रीड, लेकिन इन वचन में हमने, इस वचन में क्या पढ़ा, गॉड हैज केप्ट द अर्थ अपॉन द पिलर्स. यहां पर हमने पढ़कर देखा कि परमेश्वर ने पृथ्वी को खंभे के ऊपर रखा है. पिलर्स ऑफ द अर्थ आर ऑफ द लॉर्ड्स, और पृथ्वी की जो खंभे हैं वो यहोवा का है. एंड ही हैज सेट द वर्ल्ड अपॉन देम, और उसने उसके ऊपर जगत को धरा है. व्हाट डज इट मीन, इसका अर्थ क्या है? इट डजंट मीन दैट देयर आर पिलर्स एंड द वर्ल्ड इज केप्ट अपॉन देम, और इसका अर्थ ये नहीं कि अक्षरली से परमेश्वर ने किसी खंभे को रखा है और उस खंभे के ऊपर हमारा पृथ्वी धरा हुआ है. इट शोज गॉड इज पावरफुल, इसका अर्थ है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है. ही कैन ब्रिंग ए पुअर पर्सन आउट ऑफ डस्ट टू ए वेरी हाई पोजिशन, वो किसी भी कंगाल को धूली से उठा करके ऊंचे स्थान में रख सकता है. एंड ही मेक ए प्रिंस इंटू ए पुअर पर्सन, और वो एक अधिपति को कंगाल भी बना सकता है. दैट मीन्स, इसका अर्थ यह है, एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल, सारी बातें हमारे ईश्वर के नियंत्रण में है. सो व्हेन वी से दैट गॉड हैज केप्ट द पिलर अपॉन द वर्ल्ड अपॉन द पिलर्स, जब परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि पृथ्वी को उसने खंभे के ऊपर धरा है, दैट मीन्स ही कैन डू एनीथिंग, इसका अर्थ यह है वो कुछ भी कर सकता है. ही कैन मेक ए पुअर पर्सन एंड मेक हिम टू सिट अमंग द प्रिंसेस, वो एक गरीब आदमी को या दरिद्र आदमी को अधिपतियों के मध्य में बिठा सकता है. इट इज टोल्ड एज ए फिगरेटिव सेंटेंस, फिगरेटिव, वो एक अलंकारित रीति में उसको या अलंकार करके उसको बताया जा रहा है. इन साम 75:3, भजन संहिता उसके 75:3 में पढ़ने के समय में, प्लीज रीड, पढ़ेंगे दया करके. पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत गल रही है, मैंने उसके खंभों को स्थिर कर दिया है. The earth and all the inhabitants thereof are dissolved. I bear up the pillars of it. Bible says, God says, I bear the pillars of it. और मैंने उसको खंभों को स्थिर कर दिया है. So it shows, it seems as if there are pillars for the earth and God is making it strong. तो इन वचनों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी खंभे के ऊपर है और परमेश्वर ने उसको स्थिर किया है. But what does it mean? लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? God is having authority to judge everybody. परमेश्वर हर एक को न्याय करने का अधिकार रखता है. Verse 2 says, दूसरा वचन में लिखा है, I will judge appropriately. वो मैं ठीक समय में न्याय करूंगा. दैट मीन ही विल जज एवरीबडी अपराइटली, वो धार्मिकता से हरेको का न्याय करेगा. दैट मीन्स एवरी कंट्रोल इज इन माय हैंड, द कंट्रोल ऑफ द होल वर्ल्ड इज इन माय हैंड. इसका अर्थ ये है, परमेश्वर कहता है सारे पृथ्वी का नियंत्रण मेरे हाथ में है. व्हेन आई जज समबडी नोबडी कैन स्टॉप इट, अगर वो किसी का न्याय करे तो कोई उसको रोक नहीं सकेगा. आई विल जज एवरीबडी राइटियसली, और वो सबको धार्मिकता से न्याय करेगा. आई विल नॉट शो एनी पार्शियलिटी टू द रिच पीपल और द ग्रेट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं इस संसार में धनी और निर्धन के मध्य में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करूंगा. Then he says, because I bear the pillars of the earth. इसी कारण से वो कहता है कि मैं पृथ्वी के खंभों को संभाले रखता हूँ. That means he is having all authority to judge the people and his judgment is right. इसका अर्थ ये है कि उसको सारे मनुष्य के ऊपर अधिकार है और उसका न्याय सही है या सच्चा है. दिस इज ऑल्सो टोल्ड इन फिगरेटिव वे, इसको भी एक अलंकारित रीति में या अलंकार करके इसे बताया जा रहा है. साम्स 9:1 वी रीड दैट, 9:1 प्रोवर्ब्स, नीति वचन उसके 9 के पहले में हम पढ़ने पाते हैं. रीड, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं. विजडम हैड बिल्डेड अ हाउस, she had hewn out her 7 pillars. So wisdom is having 7 pillars. यहाँ पर बुद्धि के साथ खंभों को देखने पाते हैं. Is it okay? क्या ये सही है? Does it mean that there are 7 pillars and all the wisdom is kept upon the pillars? क्या इसका अर्थ यही है कि एक सात खंभा है और सात खंभे के ऊपर सारा ज्ञान है या बुद्धि को वहाँ पर रखा हुआ है? 7 pillar means perfect wisdom. यहाँ पर सात खंभे का अर्थ है सिद्ध ज्ञान. The following verses it is told there how to get wisdom, perfect wisdom. नीचे के वचनों को पढ़ने के समय में हम एक सिद्ध ज्ञान या संपूर्ण ज्ञान कैसे पा सकते हैं का विवरण दिया गया है. एंड मुस्लिम ब्रदरन, they believe, they say that they have the 5 pillars of Islam. They talk about 5 pillars of Islam. मुसलमान भाइयों के मध्य में इस प्रकार एक विचिंताधारा है कि मुस्लिम जो धर्म जो है वो 5 खंभे के ऊपर खड़ा हुआ है. They call it 5 pillars of Islam. और वो मुस्लिम इस्लाम का, इस्लाम का 5 खंभे करके वो लोग कहते हैं. Does it mean that there are 5 pillars and the Quran is kept upon the pillars or the Islam is kept upon the pillars?
इसका अर्थ नहीं है कि पांच अक्षरी खंभे हैं और उसके ऊपर कुरान को या इस्लाम को रखा हुआ है. When they say five pillars of Islam, जब वो ये कहते हैं कि पांच इस्लाम के पांच खंभे, that means it's a very important thing you have to do. और उसका अर्थ यह है कि बहुत ही खास या मुख्य विषय जिसको आपको करना ही है. First Timothy 3:16 we read that. जब पहला तिमोथी तीसरे अध्याय के 16 वचन को हम पढ़ते हैं. We read about the house of God there. वहां पर हम ईश्वर के भवन के बारे में पढ़ते हैं. It is also called as the church of the living God. और वो भी जीवित परमेश्वर की कलीसिया करके भी कहलाया जाता है. It is called as the pillar and ground of the truth. और वहां पर हम लोग सत्य के खंभे को देखने पाते हैं. So truth means truth is like a pillar for the church. और सत्य कलीसिया के लिए एक खंभा स्वरूप है. That means without truth the church will be of no value. सत्य के बिना कलीसिया का कोई मूल्य नहीं, यही इसका अर्थ है. Truth is important. सत्य बहुत ही मुख्य या खास this, है. This well doesn't mean that there are so many pillars and the church is kept upon that. इसका अर्थ नहीं है कि चर्च में या कलीसिया में बहुत सारे खंभे हैं और उस खंभे के ऊपर कलीसिया खड़ा है, इसका अर्थ यह नहीं है. In Revelation 3:12, प्रकाशित वाक्य की तीसरे अध्याय के 12 वचन में, I will make the overcomer as the pillar of the church. जो जय पाएगा मैं उसे कलीसिया का खंभा बनाऊंगा, इस प्रकार परमेश्वर कहता है. That means those who live a holy life, इसका अर्थ है कि जो लोग पवित्र जीवन जिएंगे, seeing the life of example, उनके उदाहरण में जीवन को देखते हुए, many will stand, कई लोग खड़े होंगे. There will be a great support for the moral character of the believers and other servants of God. और विश्वासी और सेवकों का ये जो नैतिक सुंदर जीवन है, ये दूसरों के लिए एक बहुत ही अच्छा आदर्श होकर के दिखाई देंगे. All figuratively given. तो ये एक अलंकारिक रीति से कहा जा रहा है. We should not take it literally. हम उसको अक्षर रीति से ना लें. The truth is that the earth is hanging upon nothing. सत्य तो यह है कि पृथ्वी शून्य में झूल रहा है. It is round, और वो गोल है. And it revolves in itself, और वो अपनी ही धुरी में घूमता रहता है. Bible talks about pillar of smoke, और हम लोग धर्मशास्त्र में धुएं का खंभा को देखते हैं. Pillar of cloud, हम लोग बादल के खंभे को देखते हैं. Pillar of fire, आग के खंभे को देखते हैं. They are all figuratively mentioned. ये सारी जो खंभे के बारे में है, ये अलंकारिक रीति से या उसको सजा करके बताया जा रहा है. सॉन्ग ऑफ सोलोमन वी रीड अबाउट ए पिलर, जब हम लोग श्रेष्ठ गीत में एक पिलर को या खंभे को देखते हैं. देयर इज नो पिलर एट ऑल देयर, वहां पर कोई भी अक्षरी खंभा नहीं है. व्हाट इज मेंशन एज ए पिलर देयर, लेकिन वहां पर किस बात को खंभा करके बताया जा रहा है. सॉन्ग ऑफ सोलोमन 3:6, श्रेष्ठ गीत अध्याय 3 और उसके 6 वचन में, ये क्या है जो धुएं के खंभे के समान गंधरस और लोबान से सुगंधित और व्यापारी की सब भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकला आता है. Who is this that cometh out of the wilderness like pillars of smoke, perfumed with myrrh and frankincense, with all powders of the merchant? It's written about the bride here. यहाँ पर दुल्हन के संबंध में लिखा है. He is has applied so many sweet swelling savor in her body. यहाँ पर उसने अपने शरीर में बहुत सारे सुगंधित द्रव्य को लगाया हुआ है. When she comes there, जब वो वहाँ पर आती है, lot of smell. तो बहुत ही सुगंध फैलता है. Some people they use lot of scent, is it not? कई लोग बहुत ज्यादा सुगंध को इस्तेमाल करते हैं. When they crosses and go, जब वे लोग कहीं से गुजरते हैं, we feel as if a pillar is walking and go. और ऐसा लगता है कि जैसे उनके साथ खंभा भी चल रहा हो. So here no pillar is there. यहाँ पर कोई अक्षरी खंभा नहीं है. But the sweet smell is compared to the pillar. लेकिन यहाँ पर एक सुगंधित द्रव्य जो है वो एक खंभे के साथ तुलनात्मक रीति में कहा जा रहा है. People try to take different verses and try to confuse it. We should be very very careful. इसी के लिए कई लोग अलग अलग वचनों को लेकर के अलग अलग रीति से उसको समझाने की कोशिश करते हैं और हमें गड़बड़ी में डालते हैं. इसलिए हम सावधान रहें. We must know all the verses of the Bible. हमें धर्मशास्त्र के सारे वचनों का ज्ञान होना चाहिए. Job 38:4 we read that. अय्यूब की किताब 38वें अध्याय के 4 वचन में हम पढ़ते हैं. God is asking you, where were you when I laid the foundation of the earth? वहां पर ईश्वर अय्यूब से इस प्रकार सवाल पूछता है कि हे अय्यूब, तू कहां था जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली? Psalms 104:5 we read. भजन संहिता 104 के 5 में हम पढ़ते हैं. Who laid the foundation of the earth so that it shall not be removed? और किसने इस पृथ्वी की नींव डाली कि कोई उसको ना नाश कर वो कभी ना डगमगाए. It seems as if there is foundation for the earth. ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी का कोई नींव हो. But in Isaiah 48:13 we read that. लेकिन यशायाह की किताब 48वें अध्याय के 13 वचन में हम पढ़ते हैं. Please read. कृपा करके पढ़ेंगे. निश्चय मेरा ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली
और मेरे ही दाहिने हाथ में आकाश फैलाया, जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाती है। My hand also had laid the foundation of the earth, and my right hand had spanned the heavens. When I call unto them, they stand up together. Okay, God says, I made the laid the foundation of the earth. और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैंने पृथ्वी की नींव डाली। I spanned the heavens. और मैंने मेरे दाहिने हाथ से आकाश को फैलाया। But when I call them, किंतु जब मैं से बुलाता हूँ, they stand up together. तो वो मेरे सामने उपस्थित हो जाते हैं। Sun is there. सूरज है। Moon is there. चंद्रमा। Earth is there. पृथ्वी है। Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, Pluto. So many 9 planets are there. इस प्रकार 9 ग्रह को हम देखने पाते हैं। Actually they will not be in one side. ये जितना भी ग्रह है वो एक तरफ या एक ही तरफ नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ अवर एडवांटेज वी हैव प्रोटेक्टेड द प्रिंट लाइक दिस, और हमारे सुविधा के लिए हम लोगों ने इस प्रकार इसको छपाया है। सम प्लैनेट्स विल बी दिस साइड आल्सो, और कुछ प्लैनेट दूसरी तरफ या कुछ ग्रह दूसरी तरफ भी हो सकते हैं। दे विल ऑल मूविंग इन सेम वन रोटेशन, क्योंकि उन लोग किंतु सब अपने ही उस धुरी में या अपने ही जगह में लोग घूम रहे हैं। गॉड सेज आई लेड द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ, परमेश्वर कहता है कि मैंने पृथ्वी की नेव डाली, एंड स्प्रेड द हेवन ऑल्सो, और मैंने आकाश को फैलाया। बट वेन आई कॉल देम, किंतु जब मैं उसको बुलाता हूँ, दे ऑल कम एंड स्टैंड टुगेदर, वो सब एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। व्हाट डज इट मीन, इसका अर्थ क्या है? आई हैव फाउंडेड द अर्थ इन दिस प्लेस, और मैंने पृथ्वी को इस स्थान में उसको ढूंढा है। इन दिस सेटअप आई हैव सेट एवरीथिंग, मैंने इस रीति से उसको सब कुछ निर्धारित किया है। अर्थ विल बी इन दैट प्लेस ओनली, और पृथ्वी उसी जगह में रहना चाहिए। इन दैट प्लेस ही इट विल बी रिवॉल्विंग, और वो अपने उस जगह में घूमते रहना चाहिए। इट कैनॉट चेंज द वे, वो अपना मार्ग खुद नहीं बदल सकता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फाउंडेशन, और इसी कारण से यहाँ लिखा है कि उसकी नेव डाली गई। व्हेन पीपल ट्राई टू कम एंड टेक डिफरेंट वर्सेस एंड ट्राई टू कंफ्यूज, इफ यू हैव अ रियल थरो नॉलेज अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड ओनली, वी कैन नॉट बी डिसीव्ड बाय दैट। तो इन सारे वचनों को लेकर के कई लोग आपको द्वंद्वता में या गड़बड़ी में डालने की कोशिश करे, तब आपके पास वचन का सही ज्ञान होने से ही आप उसका सामना कर सकते हैं। स्पेशली अ पर्सन बाय नेम जकीर नायक, ही इज ट्राइंग टू ट्विस्ट ऑल द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम द बाइबल। विशेष करके जकीर नायक बोलकर के एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचनों को बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा करके उपस्थापित करता है। इज अ वेरी गुड स्कॉलर, वेल एजुकेटेड पर्सन, वो बहुत ही पढ़ा लिखा एक सज्जन व्यक्ति है। थरो नॉलेज, उसको एक अच्छा ज्ञान भी है। ही नेवर कम्स विद अ पेपर इन हिज हैंड टू प्रीच, वो कभी भी किसी बात को प्रचार करने के लिए किसी कागज को अपने हाथ में रख करके नहीं लाता। एनीबडी आस्क एनी क्वेश्चन, अगर कोई भी किसी भी प्रकार के सवाल को पूछ ले, फ्रॉम बाइबल और कुरान और हिंदू वेदास, ही विल टेल द रेफरेंस, ही विल टेल द वर्स ऑल्सो, रेफरेंस ऑल्सो। बाइबल से हो या कुरान से हो या हिंदू के किसी ग्रंथ से हो, वो बिना किसी कागज के देखे रेफरेंस के साथ वो सारी बातें बताता है। Psalm 92 2 says like this, Psalms 104:5 says like this, go on telling like this, all the people wonder, they say, oh, it's wonderful. भजन संहिता 90 के 2 में से लिखा, 104 के 5 में से लिखा हुआ, बिना देखे वो सब कुछ बोलने के समय सारे लोग ताली बजाते हुए शाबाशी देते हैं। Very clever man. वो बहुत ही चालाक व्यक्ति है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट सच पीपल, इस प्रकार के लोगों के संबंध में हम बहुत ही सावधान रहे। इन आई विल टेल ओनली वन, because if we tell everything it will take a lot of time. बहुत सारी बातों को अगर मैं कहूं तो शायद बहुत समय लेगा, केवल मैं एक घटना को आपको बताता हूं। दिस ऑल्सो ही टेक दीज वर्सेस एंड से दैट बाइबल इज टेलिंग देयर इज फाउंडेशन फॉर अर्थ। अभी जो मैंने आपको बताया इन सारे वचनों को भी वो लेकर के इस प्रकार कहता है कि धर्मशास्त्र में लिखा है कि पृथ्वी का एक नींव है। बट बाइबल इज हैंगिंग सो बाइबल इज रॉन्ग, और अर्थ इज हैंगिंग सो बाइबल इज रॉन्ग। और वो ये कहता है कि वैज्ञानिक तौर से देखा जाए तो पृथ्वी शून्य में झूल रहा है, तो उस आधार पर बाइबल में जो लिखा है वो गलत है। नाउ जॉन 14:26 व्हेन वी रीड, योहन्ना के सुसमाचार के 14 अध्याय के 26 वचन को जब हम पढ़ते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। बट द कम्फर्टर विच इज द होली गोस्ट होम द फादर विल सेंड इन माई नेम, ही शैल टीच यू ऑल थिंग्स एंड ब्रिंग ऑल थिंग्स टू योर रिमेम्बरेंस व्हाटएवर आई हैव सेड अन टू यू। ही इज टेलिंग दिस कम्फर्टर इज मोहम्मद, और वो कहता है कि ये सहायक मोहम्मद है। सो व्हाटएवर यू ही टीचेस यू हैव टू फॉलो, इसी कारण से जो भी कुछ वो सिखाता है आपको उसका अनुसरण करना चाहिए। बट ही इज टीचिंग सो मेनी थिंग्स, वो कई प्रकार की बातों को सिखाता है। इट इज रिटन ही ब्रिंग्स ऑल थिंग्स टू योर रिमेम्बरेंस व्हाटएवर आई हैव सेड अनटू यू, और वो इस प्रकार कहता है कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण कराएगा।
जीसस सेड लव योर एनिमीज डू गुड अनटू देम और यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रु से प्रेम करो उनके लिए भला करो बट ही नेवर सेड लाइक दैट किंतु उसने कभी ऐसा नहीं कहा लाइक दैट देन ही आल्सो सेज 16th चैप्टर 16वें अध्याय में वो इस वचन को भी इस प्रकार कहता है 7th वर्स इज रिटन 7th वर्स सातवें वचन में ऐसा लिखा है जीसस सेड आई विल गो अवे यीशु ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है बिकॉज इफ आई डोंट गो द कंफर्टर विल नॉट कम यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा व्हेन आई गो आई विल सेंड हिम किंतु जब मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा सो जीसस सेड आई विल गो एंड सेंड मोहम्मद टू हिज वर्ल्ड और यीशु मसीह ने इस वचन के आधार पर यह कहा है कि मैं जाऊंगा और मोहम्मद को तुम्हारे लिए भेजूंगा सो ऑल शुड फॉलो मोहम्मद तो इसके लिए सब लोग मोहम्मद का अनुसरण करें बिकॉज ही सेज इसलिए वो कहता है बाइबल सेज इट इज द होली स्पिरिट वेरी क्लियरली इसी कारण धर्मशास्त्र बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है कि ये पवित्र आत्मा है बट ही इज टेलिंग होली स्पिरिट वाज ऑलरेडी देयर लेकिन वो कहता है कि उसके बोलने से यीशु मसीह के कहने से पहले ही पवित्र आत्मा है एलिजाबेथ हैड होली स्पिरिट मेरी हैड होली स्पिरिट एलिजाबेथ के अंदर पवित्र आत्मा था माता मरियम के अंदर पवित्र आत्मा था एंड डेविड हैड होली स्पिरिट दाऊद के अंदर अभिषेक आत्मा था सैमसन हैड होली स्पिरिट शिमशोन के अंदर आत्मा था इज ऑलरेडी देयर तो ये आत्मा तो पहले से ही है दिस कंफर्टर इज नॉट होली स्पिरिट तो ये जो सहायक के संबंध में यीशु बोल रहा है वो पवित्र आत्मा नहीं है सो ही टेल मेनी पीपल एंड दे से दे आर अनेबल टू आंसर और कई लोगों के बीच में जो कहते हैं तो कई लोग उसके उत्तर देने नहीं पाते बट इन 14 चैप्टर 16 एंड 17 वी रीड दैट योहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय और उसके 15-16 वचन में हम पढ़ते हैं व्हाट डिड जीसस से यीशु मसीह ने क्या कहा आई विल सेंड अनदर कंफर्टर मैं तुम्हारे लिए और एक सहायक भेजूंगा सो दैट ही मे अबाइड विद यू फॉर एवर वो ताकि वो तुम्हारे साथ सर्वदा तुम्हारे साथ बना रहे ओके मोहम्मद केम मोहम्मद आया बट इज नॉट अबाइडिंग किंतु वो सर्वदा बना नहीं रहा ही ऑलरेडी डाइड वो मर गया बट हियर सेज कंफर्टर विल अबाइड विद यू फॉर एवर किंतु यहाँ लिखा है 16 वचन में कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा एंड वर्स 17 सेज 17 वचन में लिखा है टू एक्सपीरियंसेस ऑफ द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा का दो अनुभव जीसस सेड नाउ होली स्पिरिट इज विद यू अभी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है एंड व्हेन वी रिसीव द होली स्पिरिट और जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे होली स्पिरिट शैल बी इन यू पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा ओके होली स्पिरिट वॉज इन द ओल्ड टेस्टामेंट टाइम ऑल्सो पुरातन नियम में भी पवित्र आत्मा था इट वॉज विद देम वो उसके साथ था एंड गाइडेड देम और उनको अगुवाई करता था बट इन एक्ट्स फर्स्ट चैप्टर वी रीड दैट लेकिन प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में हम देखते हैं इन 4 और 5 4 और 5 वचन में टोल्ड द डिसिपल वेट एंड रिसीव द होली स्पिरिट यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा कि पवित्र आत्मा के लिए बाट जोहो और उसे प्राप्त करो दैट दिस इज डिफरेंट और ये एक दूसरा अनुभव है व्हेन वी गेट दिस एक्सपीरियंस जब हम इस अनुभव को पाते हैं होली स्पिरिट ट्रायन गॉड कम्स एंड डोर्स विद इन अस पवित्र आत्मा के माध्यम से त्रुत ईश्वर हमारे अंदर आकर के वास करने लगता है अनलेस वी हैव ए थरो बाइबल नॉलेज वी कैन बी डिसीव्ड बाय अदर्स जब तक हमारे अंदर बाइबल का संपूर्ण ज्ञान ना होगा हम दूसरों के द्वारा धोखा खा सकते हैं एंड इन 15:26 जॉन 15:26 योहन्ना रचित सुसमाचार के 15वां अध्याय के 26वें वचन में परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वो मेरी गवाही देगा बट वेन द कम्फर्टर इज कम होम आई विल सेंड अनटू यू फ्रॉम द फादर इवन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ विच प्रोसीडेड फ्रॉम द फादर ही शैल टेस्टिफाई ऑफ मी शी विल टेस्टिफाई अबाउट जीसस ये सहायक आकर के यीशु के संबंध में गवाही देगा मोहम्मद नेवर टेस्टिफाइड अबाउट जीसस लेकिन मोहम्मद ने कभी भी यीशु के बारे में गवाही नहीं दी इज नॉट अवेडिंग इज ऑलरेडी डेड एंड गॉन बैक और वो सदा बना नहीं रहता है वो तो मरा और चला गया सो वी मस्ट हैव ए थरो नॉलेज अबाउट एवरीथिंग इसी कारण से सारी बातों का संपूर्ण ज्ञान हमारे पास होना चाहिए ही ऑल्सो सेज सम अदर वर्सेस ऑल्सो और भी कुछ वचनों को लेकर के ये भाई कहता है एक्लिसियोसिस 1:4 इट इज रिटन एफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 4 वचन में अर्थ अबाइडेथ फॉर एवर ये पृथ्वी सर्वदा बना रहता है बट इन 102:25 and 26 इट्स रिटन किंतु 122 के 27 और 28 वचन में ऐसा लिखा है 102:25 and 26 102 वचन 25 और 26 वचन आदि में तूने पृथ्वी को नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है वो तो नाश होगा परंतु तू बना रहेगा और वो सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा और वह तो बदल जाएगा इट इज रिटन हेवन एंड अर्थ आर मेड बाय गॉड दे विल पेरिश
यहाँ पर लिखा हुआ है कि आकाश और पृथ्वी ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और वो एक दिन नाश हो जाएगा. नाउ रीड एक्लिसियोसिस 1:4. अब पढ़ेंगे सबो उपदेशक अध्याय 1:4. एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है. वन जनरेशन पास्ड अवे एंड अनदर जनरेशन कमथ, बट द अर्थ अबाइडेथ फॉरएवर. ओके, इट्स रिटन अर्थ अबाइडेथ फॉरएवर. और यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है. इट डजंट से अर्थ शैल अबाइड फॉरएवर. उसका ये कभी नहीं कहा कि ये पृथ्वी हमेशा के लिए बना रहेगा. बट ही इज टेलिंग ए लाइ दैट अर्थ, बाइबल सेज अर्थ विल अबाइड फॉरएवर. लेकिन वो इस प्रकार कहता है कि बाइबल ऐसा बोल रहा है कि पृथ्वी हमेशा के लिए बना रहेगा. वन साइड इट इज सेड इट इज पेरिश. एक तरफ तो धर्मशास्त्र कहता है कि वो नाश हो जाएगा. अदर साइड इज रिटन इट विल बी फॉरएवर. दूसरी तरफ में लिखा है कि वो सर्वदा बना रहेगा. सो बाइबल इज रॉन्ग. तो वो इस प्रकार कहता है कि बाइबल गलत है. बाइबल डजंट से लाइक दैट. लेकिन धर्मशास्त्र में कभी भी ऐसा नहीं लिखा है. इन साम्स 102 इट सेज अर्थ एंड हेवन विल पेरिश. 102 भजन में पढ़ने के टाइम लिखा हुआ है कि आकाश और पृथ्वी नाश हो जाएगा. बट हियर इट इज रिटन. लेकिन यहाँ लिखा है वन जनरेशन गोज अनदर जनरेशन कम. एक पीढ़ी जाती है दूसरी पीढ़ी आती है. वन पर्सन डाइज हिज सन कम्स पीपल आर डाइंग अनदर जनरेशन कम्स. एक व्यक्ति मरता है उसके बच्चे आते हैं और वो जब जाता है तो उसके बच्चे आते हैं. पीढ़ी के बाद पीढ़ी आती रहती है. बट अर्थ इज नॉट चेंजिंग. किंतु पृथ्वी में परिवर्तन नहीं. इट इज अबाइडिंग. तो वो बना रहता है. 6,000 years. अभी 6,000 साल हो गए. पीपल आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड. लोग इस संसार में रह रहे हैं. सो 60 years एज कंसिडर्ड एज वन जनरेशन. एक पीढ़ी को 60 वर्ष करके ले लिया जाए. दैट मीन 1,000 generations हैव ऑलरेडी पास्ड. और इस रीति से 1,000 पीढ़ी बीत चुका है. 1,000 generations हैज कम वन बाय वन. बट अर्थ इज स्टेइंग एज इट इज. तो 1,000 पीढ़ी जो है एक के पीछे आए, लेकिन अभी भी पृथ्वी बना हुआ है. इट इज नॉट रिटन अर्थ अबेडेथ फॉर एवर. इट इज नॉट रिटन अर्थ विल अबेड फॉर एवर. यहाँ पर पृथ्वी सदा बनी रहेगी कहने का अर्थ नहीं है कि पृथ्वी में कभी नाश नहीं होगा और वो सर्वदा के लिए अटल रहेगा. बाइबल क्लियरली सेज. धर्मशास्त्र स्पष्ट रीति से कहता है. यशायाह 13:13. यशायाह किताब 13:13 में अर्थ शैल बी रिमूव्ड. और ये पृथ्वी नाश हो जाएगा. सो एवरीथिंग इज गोइंग टू पेरिश वन डे. एक दिन सब कुछ नाश होने जा रहा है. सम पीपल टेक सम वर्सेस एंड ट्राई टू ट्विस्ट इट. कुछ लोग कुछ वचनों को लेकर के उलट फेर करके कहते हैं. सो इन द लास्ट डेज वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. इसलिए अंतिम दिनों में हम बहुत ही सावधान. वी मस्ट रीड द वर्ड ऑफ गॉड मोर एंड मस्ट हैव ए थरो नॉलेज अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड. हम परमेश्वर के वचनों को अधिक से अधिक पढ़े और परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के वचन का संपूर्ण ज्ञान को संचय करके रखे. दिस अर्थ विल पेरिश वन डे. इट विल नॉट स्टे फॉर एवर एंड एवर. ये पृथ्वी एक दिन नाश हो जाएगा, सर्वदा ये बना ना रहेगा. वन डे इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस पोजीशन आल्सो. और वो उसके अपने स्थान से भी उसको हटा दिया जाएगा. एंड अर्थ इज राउंड. पृथ्वी गोल है. इट हैंग्स अपॉन नथिंग. वो शून्य में झूल रहा है. रिवॉल्व्स इन इटसेल्फ. वो अपने ही धुरी में घूमता है. सो व्हाट साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड इन द 16th century ऑलरेडी Everything is mentioned in the Bible. और ये 16वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने जो सारी बातों को खोज निकाला, धर्मशास्त्र में उसका उल्लेख पहले से ही है. And Bible also says, धर्मशास्त्र ये भी कहता है, the host of heaven cannot be numbered. और आकाश के जो तारा है उनको हम लोग गिन नहीं सकते. Read Jeremiah 33:22. जरेमिया की किताब 33वें अध्याय के 22 वचन को पढ़ेंगे. यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा, क्या तूने नहीं देखा कि ये लोग क्या कहते हैं कि जो दो कुल यहोवा ने चुन लिए थे उन दोनों से उसने अब हाथ उठाया है. As the host of heaven cannot be numbered, neither the sand of the sea measured, so will I multiply the seed of David my servant and the Levites that minister unto me. 33:22 हिंदी में क्या पढ़ा है? जैसा आकाश की सेना की गिनती और समुद्र की बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता है, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत. होस्ट ऑफ हेवन कैनॉट बी नंबर्ड. आकाश के तारागणों को हम गिन नहीं सकते. सो इट इज ऑलरेडी 3,000-4,000 years back. इट इज ऑलरेडी रिटन इन द बाइबल. और ये 4,000-3,000 साल पहले ही बाइबल में लिखा हुआ है. In this world, our universe is so big. हमारा जो ब्रह्मांड है वो इतना बड़ा है. We are staying in one solar system only. हम लोग तो केवल एक ही सौर मंडल में रहते हैं. We have one sun, one moon, one earth, some planets. और हम लोग एक सूरज और एक चांद और उस हमारे आसपास दिखाई देने वाले कुछ ग्रह को देख सकते हैं. This is called as one solar system. ये हमारा एक सौर मंडल है. This system is very big. और ये जो सौर मंडल है बहुत बड़ा है. द डायमीटर ऑफ द सन इज 1,500 लाख किलोमीटर्स.
और ये जो जो सूरज का जो डायमीटर है 1500 लाख किलोमीटर, 1500 लाख किलोमीटर का वो उसका गोलाकार है। सो बिग, वो इतना बड़ा है। अवर अर्थ इज वेरी स्मॉल, और उसके सामने हमारा पृथ्वी बहुत ही छोटा है। इफ यू पुट अवर अर्थ इनसाइड द सन, अगर हम लोग हमारे इस पृथ्वी को सूर्य के अंदर भरना शुरू करें, वी कैन पुट 96,000 ऑफ इस अर्थ इनसाइड द सन। तो इस प्रकार के पृथ्वी को 96,000 पृथ्वी को हम सूर्य में भर सकते हैं। सन इज सो बिग, हमारा सूरज इतना बड़ा है। एंड दिस इज कॉल्ड एज ए सोलर सिस्टम, और इसको सौर मंडल करके कहा जाता है। इट कवर्स सो मेनी किलोमीटर्स, और ये बहुत सारे किलोमीटर को तय करता है। लाइक द देर आर 400 सोलर सिस्टम्स, इस प्रकार ब्रह्मांड में 4000 सौर मंडल है। देर आर 400 सन्स, और 400 सूरज है। देर आर 400 मून्स, 400 करोड़ मून्स, 400 करोड़ सन्स, 400 करोड़ सूरज, 400 करोड़ चंद्रमा है। एवरी सोलर सिस्टम देयर इज अ सन, देयर इज अ मून। हर सौर मंडल में सूरज है, हर सौर मंडल में चंद्रमा है। बट अर्थ इज नॉट एवरीवेयर, अर्थ इज नॉट, पृथ्वी सब जगह में नहीं है। सो दिस इज वन सोलर सिस्टम लाइक दैट, 400 करोड़ सोलर सिस्टम सर देयर। ये जो हम देख रहे हैं वो एक सौर मंडल है, लेकिन ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में इस प्रकार 400 करोड़ सौर मंडल है। देयर इज अनदर थिंग बाय नेम गैलेक्सी और द मिल्की वे, और एक जो है जो सौर मंडल में या आकाश बाहर हम देखने अंतरिक्ष में देखने पाते हैं, उसको आकाश गंगा करके कहते हैं। देयर इज इन दैट, इन वन गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार। ये आकाश गंगा में बहुत सारे जो ग्रह है उसमें पाया जाता है। दैट मेनी स्टार्स, बहुत सारे तारों का एक दल है। इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, उसमें तारागणों का दल है। इट्स कॉल्ड गैलेक्सी, एंड बिकॉज इट रूल्स वाइड, दे कॉल इट एज मिल्की वे ऑल्सो, और उसी को हम लोग आकाश गंगा करके कहते हैं। इन दिस देर आर 4000 करोड़ स्टार्स, इन वन गैलेक्सी देर आर 4000 करोड़ स्टार्स। एक आकाश गंगा में 4000 करोड़ तारागणे हैं। जस्ट इमेजिन, आप लोग सोच के देखिए, वन गैलेक्सी 4000 करोड़ स्टार्स, अगर एक ही आकाश गंगा में 4000 करोड़ अगर तारागणे हैं, एंड देर आर 20, देर आर मेनी गैलेक्सीज, इस रीति से बहुत सारे आकाश गंगा है। वन गैलेक्सी देर आर 4000 करोड़ स्टार्स, अगर एक आकाश गंगा में, इन वन 4000 गैलेक्सी देर आर 4000 करोड़ स्टार्स, एक आकाश गंगा में 4000 करोड़ तारागणे हैं। लाइक दैट देर आर 26 ट्रिलियन गैलेक्सीज, इस रीति से 26,000 ट्रिलियन आकाश गंगाएं हैं। 26 ट्रिलियन मीन 26,000,000,16 सच ए बिग अमाउंट ऑफ गैलेक्सी सर देयर। और 26 ट्रिलियन कहने का अर्थ 26 के पीछे 16 शून्य होना चाहिए। जस्ट इमेजिन हाउ बिग अवर यूनिवर्स इज, तो आप सोच के देखिए कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरा जगत है, कितना बड़ा है। बाइबल सेज गॉड क्रिएटेड ऑल दिस थिंग्स विद हिज फिंगर, और धर्मशास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर ने ये सब कुछ अपनी उंगलियों से रचा। फॉर कुकिंग वी सफर होल डे यूजिंग ऑल द 10 फिंगर्स, हम लोग एक दिन की रसोई करने के लिए अपने 10 उंगलियों को इस्तेमाल करके कितना कष्ट उठाते हैं। बट गॉड क्रिएटेड ऑल दिस थिंग्स जस्ट बाई वन फिंगर, लेकिन परमेश्वर ने सारे सौर जगत को केवल अपने एक उंगली से बना दिया। देयर आर सो मेनी स्टार्स, ऐसे बहुत सारे तारागणे हैं। इफ यू स्टार्ट काउंटिंग द स्टार्स वन बाई वन, इन वन सेकंड वन स्टार, वन टू थ्री, इफ यू स्टार्ट काउंटिंग द स्टार्स, अगर एक एक तारागणों को अगर आप गिनना शुरू करो, और उसका समय एक सेकंड में एक तारा का गिनने के रीति में होना चाहिए, इट विल टेक 2000 ईयर्स टू काउंट ऑल द स्टार्स, सारे तारागणों को गिनने के लिए 2000 साल आपको लग जाएगा। And some stars are very far away from us. और कुछ तारागणों तो हमसे इतने दूर हैं। All the stars are far away. सारे ही तारा हमसे बहुत दूर हैं। They are very big. वो बहुत ही बड़े हैं। Because they are very far away, they are looking small. लेकिन उन लोग बहुत ही दूरी में रहने के कारण छोटे दिखाई पड़ते हैं। To go to the nearest star, सबसे नजदीकी तारा में जाने के लिए, If you take a rocket, अगर आप एक रॉकेट का इस्तेमाल करते हो, travel at the speed of 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, अगर आप 3 लाइट किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार में अगर आप जाते हो, 1 सेकंड 3 लाख किलोमीटर, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी को अगर आप तय करते हो, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव हो सकता है? नॉट एट ऑल पॉसिबल, ये असंभव है। बट इफ यू ट्रेवल इन दैट स्पीड, अगर आप उस गति में चलो,
इट विल टेक 4 ईयर्स टू रीच द नियरेस्ट स्टार। तो अगर आप उस गति में जाओ तो सबसे नजदीकी तारा में जाने के लिए भी आपको 4 साल लग जाएंगे। व्हाई आई टेल ऑल दिस थिंग्स, क्यों ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ? यू कैन इमेजिन हाउ बिग अवर यूनिवर्स इज। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये ब्रह्मांड नहीं तो ये सृष्टि कितना बड़ा है। ओके, दिस ऑल थिंग्स वर डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1930। ये सारी बातें 1930 में इसको बताया गया है। नाउ व्हाट इज द कंडीशन? लेकिन आज इसकी स्थिति क्या है? नाउ दे आर टेलिंग देयर आर मोर देन 40 क्वाट्रिलियन गैलेक्सीज। किंतु वर्तमान उन लोग कह रहे हैं कि ये जो आकाशगंगा आज के दिन में इन्होंने खोज निकालने के अनुसार 40 क्वाट्रिलियन संख्या में है। दैट मीन्स 40 फॉलोड बाय 24 जीरोस, 40 जीरो 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 24, दैट इज कॉल्ड क्वाट्रिलियन। और 40 क्वाट्रिलियन कहने का अर्थ है 40 के पीछे 24 शून्य को आप लगा दीजिए। दे से इट इज मोर देन दैट। और कहते हैं कि इससे भी अधिक आकाशगंगाएं हैं। दे आर डिस्कवरिंग नाउ। और लोग अभी भी खोज कर रहे हैं। बट व्हाट इज बाइबल से इन 33:22 जेरेमिया? लेकिन जेरेमिया की किताब के 33:22 वचन में धर्मशास्त्र क्या कहता है? मोस्ट ऑफ द हेवन कैनॉट बी नंबर्ड। और आकाश की सेनाओं को गिन नहीं सकते। हालेलुया। व्हाट साइंटिस्ट आर डिस्कवरिंग नाउ, इट हैज बीन ऑलरेडी रिटन इन द बाइबल इवन 2500 ईयर्स। आज के दिनों में जो वैज्ञानिक लोग खोज निकाल रहे हैं, देखो धर्मशास्त्र में आज से तकरीबन 2000 साल पहले ही उसका उल्लेख किया गया है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द बिगेस्ट एनिमल व्हिच वाज इन दिस वर्ल्ड। वर्तमान हम उस सबसे बड़े जीव को देखेंगे जो इस संसार या इस पृथ्वी में था। हिज नेम इज डायनासोर। और उसको डायनासोरस के नाम से जाना जाता है। जॉब वी रीड अबाउट दिस एनिमल। और इस जंतु के बारे में हम लोग अय्यूब की किताब में पढ़ने पाते हैं। जो 40 अय्यूब की किताब के 40वें अध्याय। ओके, रीड अबाउट द एनिमल बाय नेम बहमोत। 15:15। 15 वचन। उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वो बैल की नाई घास खाता है। Behold now the behemoth which I made with thee, he eateth grass as an ox. It is called behemoth. यहाँ पर उसको हिंदी में जलगज करके कहा है। Some Bible scholars say that it is hippopotamus. कुछ बाइबल के विशेषज्ञ या पंडित लोग कहते हैं कि वो हिप्पोपोटामस वो जंतु है। And the description of the animal is mentioned in the following verses. नीचे के वचनों में पढ़ने के समय में इस जीव का विवरण दिया गया है। His strength is in the novels. और उसका बल उसके कटी में है। His sinews are strong like stones. और उसके पेट के पट्टों में उसकी सामर्थ रहती है। His bones are like strong pieces of brass. और 18 और उसकी जो हड्डियां हैं वो पीतल की नहीं है। His pieces are like bars of iron. और उसकी पसलियों माने लोहे के बेड़े हैं। He is the chief of the ways of God. और 19 वचन में लिखा है वो ईश्वर का मुख्य कार्य है। He is the biggest animal created by God. परमेश्वर के द्वारा सृजा गया सबसे बड़ा जीव है। And in the mountain it goes and takes food by stunty. और 20 वचन में लिखा हुआ है कि वो पहाड़ों में जाकर के उसे चारा मिलता है। It goes to the mountain and eat all the grass, all the trees. It doesn't eat non-vegetarian food. और वो सारे पहाड़ों में जाकर के वो घास को पेड़ों को वो खाता है। वो एक मांसाहारी नहीं है। And comes and takes rest near the shady trees and the reeds. और वो छतनार वृक्षों के तले नरकटों की आड़ में कीच पे लेटा All day it will eat. In the evening it will come to the seashore or the river bed and it will take rest there. वो पूरे दिन वो खाता है और शाम के वक्त में समुद्री तट में आकर के वो विश्राम लेता है। He can drink up a river. वो एक नदी को पी सकता है। If the river comes and dash against it also, it will not be afraid, it will not bother. और अगर कोई नदी उसके विरोध में उसके ऊपर उसकी लहरें गिरे या उसके बाढ़ के पानी आए तो भी उससे डरता नहीं। इट कैन ड्रॉ अप जॉर्डन इन हिज माउथ। वो यर्दन को अपने मुंह पर ले लेता है। पूरा यर्दन को पी सकता है। सो इट्स सो स्ट्रांग। वो इतना बलवंत है। सच ए बिग एनिमल। इतना बड़ा विशाल जानवर। सम बाइबल स्कॉलर्स से दैट इट इज हिप्पोपोटामस। और कुछ बाइबल विशेषज्ञ कहते हैं कि हिप्पोपोटामस है। बट व्हेन वी सी अबाउट द टेल ऑफ दिस एनिमल। किंतु जब हम इस जानवर की पूंछ को देखते हैं। रीड 17। 17वां वचन को पढ़ेंगे। वो अपनी पूंछ को देवदार की नाई हिलाता है। उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई है। He moveth his tail like a cedar. The snails of his stones are wrapped together. It moves the tail like a cedar tree.
वो अपनी पूंछ को देवदार की नाई हिलाता है. इट्स सो बिग, वो इतना बड़ा है. इट्स लाइक ए बिग सेडर ट्री, वो एक देवदार वृक्ष के समान. इट्स हैविंग सच ए लॉन्ग टेल, उसके इतना लंबा एक पूंछ है. इट इज 70 feet लॉन्ग, वो 70 feet लंबा है. एंड हाइट 19 feet, और उसकी ऊंचाई 19 feet है. विदाउट सच ए बिग टेल इट कैनॉट बैलेंस वाइल वॉकिंग, और इतना लंबा पूंछ ना हो तो वो इतने विशाल शरीर को नियंत्रण या संतुलन नहीं कर सकता. सम बाइबल स्कॉलर्स से दैट इट इज हिप्पोपोटामस. कुछ बाइबल के शास्त्र के कहते हैं कि ये जीव जिसके बारे में धर्मशास्त्र में लिखा है वो हिप्पोपोटामस है. बट हिप्पोपोटामस टेल इज द स्मॉलेस्ट टेल. लेकिन हिप्पोपोटामस का अगर पूंछ को देखे तो वो सबसे छोटा पूंछ है. सी दिस इज द टेल ऑफ हिप्पोपोटामस. यहाँ पर हम हिप्पोपोटामस की पूंछ को देखते पाते हैं. सो बिग लाइक द सेडर ट्री, और सेडर वृक्ष के समान इतना बड़ा नहीं. हाँ, इतना बड़ा है. इतना बड़ा है. बड़ा है, बड़ा ना छोटा? छोटा है, इतना है. इट डजंट हैव ए टेल लाइक द सेडर ट्री. वो एक देवदारू के वृक्ष के समान बड़ा नहीं है. नाउ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड मेनी फॉसिल्स ऑफ दिस एनिमल ऑल्सो. और इन दिनों में इस प्रकार के जीवों के संपूर्ण हड्डी के ढांचा को वैज्ञानिकों ने पाया है. रिसेंटली दे हैव फाउंड आउट वन इन चाइना ऑल्सो. और हाल ही में चीन देश में एक हड्डी के ढांचा को उन्होंने पाया. 9 meter लॉन्ग, वो 9 meter लंबा है. दैट मीन्स नियरली 30 feet लॉन्ग, और तकरीबन 30 feet लंबा है. इफ यू सी द स्केलेटन, अगर आप उसके हड्डी के ढांचे को देखोगे. साइंटिस्ट हैव गॉट मेनी स्केलेटन्स लाइक दिस, और वैज्ञानिकों के पास ऐसे बहुत सारे ढांचे हैं. इफ यू कीप दोस स्केलेटन्स, अगर उन सारे ढांचों को अगर आप रखो, फिल देम विद फ्लैश, अगर उनको उसमें मांसपेशियों को भर दो, एनिमल एग्जैक्टली लाइक दिस विल कम. तो इस रीति का एक संपूर्ण जीव या एक जानवर आपको मिलेगा. इट्स सो बिग, वो इतना बड़ा है. 79 feet हाइट, और उसका 70 feet उसका लंबाई है. इफ ए कार स्टैंडिंग हियर, इफ पीपल आर हियर, इट विल बी सो हाई. और यहाँ पर आप छवि में देख सकते हैं कि वहां पर कार का एक फोटो है, एक कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन उसके सामने वो कितना ऊंचा है. इफ दिस एनिमल कम्स इनसाइड नाउ, अगर ये जानवर अगर यहां घुस जाए, इफ यू स्टैंड लाइक दिस, इट विल कवर फ्रॉम दिस, दिस इज ओनली 60 feet, इट विल बी मोर देन दिस. अगर वो इस कोने में खड़ा हो तो ये हॉल की जो चौड़ाई है वो केवल 60 फुट ही है. इफ इट कम इन साइड द हॉल, अगर इस हॉल के अंदर वो घुस जाए, ऑल विल बी अफ्रेड, आप सब डर जाओगे. जस्ट स्टैंड देन 10-20 people विल डाई. अगर वो अपने पूंछ को केवल इधर उधर हिला दे तो सब मरेंगे. सच ए बिग एनिमल, इतना बड़ा जानवर है. बट इट इज नॉट देयर नाउ, किंतु ये अब नहीं है. बाइबल अग्री दैट दिस एनिमल वॉज देयर, और धर्मशास्त्र इस बात से सहमत है कि इस प्रकार के जंतु हुआ करता था. साइंटिस्ट से और वैज्ञानिक लोग कहते हैं दिस एनिमल वॉज देयर, और ये इस प्रकार के जंतु थे. बट इट इज नॉट देयर, इज नॉट देयर नाउ, किंतु अब वो नहीं है. दिस डिसअपियर्ड, वो लोप हो गया. They tell sometime some asteroids fell from heaven and they all disappeared. उन लोग इस प्रकार कहते हैं कि आकाश से कुछ तारा या कुछ एस्ट्रॉइड गिरने के कारण ये सब कुछ ध्वंस हो गया. Scientists used to tell so many things. इस प्रकार वैज्ञानिक कई प्रकार की बातें बोलते हैं. Sometime they will tell something it is true. और कई बार जो कहते हैं वो ये सत्य करके कहते हैं. After 10 years they will say something. और 10 साल के बाद वो लोग कहते हैं this will prove that this is not true. The first one is not true. और जो 10 साल के बाद जो कहते हैं उसे ये पता चलता है कि जो 10 साल पहले कहे थे वो सही नहीं था. हाउ दे डिसअपियर्ड, वो कैसे गायब हो गए. रीड चैप्टर 40, 40वें अध्याय को पढ़ेंगे. 19 और उसके 19वें वचन को. वो ईश्वर का मुख्य कार्य है जो उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए. ही इज द चीफ ऑफ द वेज ऑफ गॉड, ही दैट मेड हिम कैन मेक हिज सोल टू अप्रोच अनटू हिम. ही इज द बिगेस्ट एनिमल, वो सबसे बड़ा एक जीव है. बट गॉड मेड ए सोर्ड फॉर इट, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए भी एक तलवार रखा है. दैट मीन इट्स अ प्लान ऑफ गॉड दैट इट शुड बिकम एक्सटिंक्ट वन डे. अब परमेश्वर का यही योजना था कि एक दिन ये संपूर्ण रीति से नष्ट हो जाना चाहिए. व्हेन द वर्ल्ड वाज सो बिग फुल ऑफ लॉट ऑफ ट्रीज, जब संसार इतना बड़ा था और उसमें जब बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे. बिग एनिमल्स लाइक दिस आर नेसेसरी सो दैट दे कैन ईट ऑल द ट्रीज एंड ग्रासेस. उस समय में इस प्रकार के बड़े बड़े जीव जंतु की आवश्यकता इस पृथ्वी में था ताकि वो इस घासों को और बड़े बड़े वृक्षों को चर सके या खा सके. बट आफ्टर द फ्लड, किंतु जल प्रलय के बाद एवरीथिंग डिसअपियर्ड, सब कुछ गायब हो गया, लोप हो गया. मे बी द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द डायनोसॉर्स आल्सो वुड हैव बीन टेकन इनसाइड द
नोवास आर्क हो सकता है कि इतने बड़े डायनासोर का एक छोटा सा जो भाग है उसको शायद जहाज में लिया होगा बट साइंटिस्ट से दैट दे डाइड बिकॉज ऑफ एस्ट्रॉइड्स लेकिन वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि आकाश से एस्ट्रॉइड गिरने के कारण वे सब नष्ट हो गए आफ्टर द नोवास फ्लड दे वुड हैव बीन वेरी फ्यू इन नंबर्स नोवा के जल प्रलय के बाद शायद हो सकता है कि लोग संख्या में बहुत कम हो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो हाउ दे डाइड हम इस बात से रुचि नहीं रखते कि लोग कैसे नष्ट हुए बट बाइबल सेज दे विल डाई लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि वे लोग नष्ट होंगे इज द बिग वे ऑफ गॉड इज द बिगेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड बट व्हेन गॉड मेड इटसेल्फ ही डिसाइडेड दैट आफ्टर सम टाइम इट शुड एक्सटेंड फ्रॉम दिस अर्थ ये जो जंतु है परमेश्वर या ईश्वर के द्वारा बनाया गया उसका सबसे बड़ा और सबसे बड़ा जीव या सबसे बड़ा कार्य है लेकिन सृष्टि के समय में ही उसने इस बात का भी निर्णय कर लिया था कि एक दिन इस प्रकार के जंतु का लोप होना निश्चित है एनिमल्स दे रिलाई अपॉन वन अनदर फॉर फूड और ये जो जानवर है एक दूसरे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं सब देर आर मेनी सपोज देर आर मेनी डियर्स मान लो कि बहुत सारे हिरण हो What will happen? तो क्या होगा When the farmers will plant everything, अगर किसान लोग कई प्रकार की बातों को खेती करें Night they will come and eat everything. रात को ये हिरण आएंगे और सब कुछ चर जाएंगे In Andamans once they planted so many things in the night, the whole village. अंडमान के उस जगह में उन गांव में उन्होंने बहुत कुछ खेती बाड़ी किया Some believers also were there. उसमें हमें हमारे कुछ विश्वासी भी थे Night the deer came and ate everything completely, the whole village. और रात में कुछ हिरणों का झुंड आया और पूरे गांव ने जो खेती बाड़ी किया था सब कुछ नष्ट कर दिया That's why God has kept the tiger and lion so that they may eat this deer so that they may not multiply beyond limit. इसी कारण से बनाने वाले ने शेर को सिंह को रखा है ताकि वो हिरण को खाए ताकि वो इतना ना बढ़ जाए कि इस प्रकार का नुकसान हो टू कंट्रोल एवरीथिंग गॉड हैज प्लान एवरीथिंग नाइसली सब कुछ संतुलित करने के लिए परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर रीति से बनाया इन अंडमान देयर इज अ रूल इफ द डियर्स आर कमिंग एंड ईटिंग योर प्लांट एंड डिस्ट्रॉइंग इट यू कैन किल देम आल्सो अंडमान में इस प्रकार का नियम है कि अगर कोई हिरण आपके खेत में घुस के आपके खेत को नष्ट करता है तो आप उसको मार सकते हो सो आफ्टर द फ्लड All the trees, everything died out. So there was little grass, everything newly growing. So the necessity for such a big animal is not necessary. जल प्रलय के पश्चात सारे बड़े बड़े वृक्ष नष्ट हो जाने के कारण और उसके बाद ये सारे वृक्ष धीरे धीरे बढ़ने के कारण इन सारे बड़े बड़े जानवरों का लोप हो जाना अनिवार्य था In Orissa, the elements are coming inside the town now because they get no food in the forest. Orissa देश में अगर हम लोग देखते हैं तो आज के दिन में हाथी नगर या शहर के अंदर घुस जाता है क्योंकि जंगल में उनके लिए खाने को नहीं है मेनी पीपल आर किल्ड बाय द एलिफेंट्स और बहुत सारे लोग इस हाथी के द्वारा मारे जाते हैं एलिफेंट्स आर नॉट गेटिंग फूड इन साइड द फॉरेस्ट अगर हाथियों को ही जंगल में खाना नहीं मिल रहा व्हाट अबाउट हिप्पोपोटामस तो ये बड़े बड़े जीव व्हाट अबाउट डायनासोर तो ये डायनासोरस समान बड़े बड़े जीव का क्या डोंट गेट एनी फूड अगर उनको खाना ना मिले एंड कम टू द नागपुर सिटी अगर वो नागपुर शहर में घुस जाए ओके इट विल ब्रेक एवरीथिंग सब कुछ तहस नहस कर देगा मेनी पीपल विल डाई कई लोग मरेंगे सो गॉड डिसाइडेड ओके लेट मी रिमूव देम फ्रॉम दिस वर्ल्ड इसी कारण से ईश्वर ने जब देखा और कहा कि अब मैं इसे यहां से लोप कर देता हूं व्हेन गॉड क्रिएटेड देम इटसेल्फ इट वाज इन द माइंड ऑफ गॉड दे शुड बिकम एक्सटिंक्ट वन डे परमेश्वर ने जब इस प्रकार के बड़े जीव को बनाया उसी समय में उसके मन में इस प्रकार की चिंता भी था कि एक दिन में इसे नष्ट कर देना है एंड अनदर थिंग ऑल्सो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड इन द 17th-18th सेंचुरी 17वें 18वें शताब्दी में और एक विषय है जिसको वैज्ञानिकों ने खोज निकाला व्हाट इज दैट और वो क्या है एयर इज हैविंग वेट वायु का एक वजन है बिफोर दैट दे थॉट एयर इज ब्लोइंग हियर एंड देयर विंड इज ब्लोइंग नोबडी थॉट अबाउट इट इज हैविंग वेट और उससे पहले लोग सोचते थे हवा बहता है इधर उधर घूमता चलता फिरता रहता है उसका कोई वजन होगा इसका कोई अनुमान नहीं था द 16th सेंचुरी ओनली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एयर इज हैविंग वेट 16वीं शताब्दी में ही इस बात का पता लगाया गया कि हवा का भी एक वजन है नाउ हाउ द टीचर्स आर प्रूविंग इट लेकिन इन दिनों में आज के शिक्षक लोग किस रीति से इसको सिखाते हैं या समझाते हैं दे टेक ए फिजिकल बैलेंस और उन लोग एक तराजू को लेते हैं एंड कीप ए एम्प्टी बलून ऑन द लेफ्ट साइड और उन लोग एक तरफ खाली फुग्गे को रख देते हैं यू टेक अनदर बलून एंड ब्लो इट नाइसली फुल एंड कीप इट ऑन द राइट साइड और दूसरे एक फुग्गा को लेकर के उसमें अच्छे से हवा को भर के दूसरे तराजू के पलड़ा में रख देते हैं देन वी कैन सी राइट साइड गोइंग डाउन और देखते हैं कि जो राइट साइड में या दाहिनी ओर जो रखा हुआ जो पलड़ा है वो नीचे की ओर जाता and है दे प्रूव दैट
एयर इज हैविंग वेट और इस रीति से उन लोग इस बात को साबित करते हैं कि हवा में भी वजन है यूजिंग ए बैलेंस फिजिकल बैलेंस एंड बलून दे आर एबल टू प्रूव दैट एयर इज हैविंग वेट और तराजू के द्वारा फुग्गा को इस्तेमाल करने के द्वारा इस बात में साबित होता है कि हवा का भी वजन है बट इवन बिफोर बलून वॉज मेड इवन बिफोर द फिजिकल बैलेंस वॉज मेड बाइबल सेज एयर इज हैविंग वेट लेकिन इससे पहले कि तराजू का निर्माण हो या फुग्गा का निर्माण हो धर्मशास्त्र कहता है हवा का भी वजन है हालेलुया हालेलुया रीड 28:25 28 के 25 वचन को जॉब जॉब 28 आयुब 28:25 को पढ़ेंगे ने वायु का तोल ठहराया और जल को नपुए में नापा टू मेक द वेट फॉर द विंड्स एंड ही वेटेड द वाटर्स बाय मेजर सो गॉड हैज मेड वेट फॉर द एयर परमेश्वर ने वायु को तोल ठहराया है सो व्हाट एवर इज ऑलरेडी डन इन द बाइबल नाउ 16th-17th century ओनली साइंटिस्ट आर एबल टू फाइंड इट आउट जो सारी बातें धर्मशास्त्र में पहले से ही लिखा हुआ है इस 16वां-17वां शताब्दी में ही वैज्ञानिकों ने उसके खोज निकाला सो फ्रॉम दिस व्हाट वी अंडरस्टैंड इन सारी बातों से हम क्या समझते हैं द बाइबल इज द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड धर्मशास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा किया हुआ वचन है एंड व्हाट एवर द बाइबल सेज इस कारण से जो भी कुछ धर्मशास्त्र में लिखा है वी हैव टू बिलीव एज इट इज एंड ओबे एज इट इज हमको वैसे ही उसे विश्वास करना है और उसका पालन करना है अवर गॉड हू क्रिएटेड ऑल दिस थिंग्स हमारे परमेश्वर ने सारी बातों को सृष्टि किया ही क्रिएटेड ऑल दिस थिंग्स फॉर अस हमारे लिए इन सारी बातों को सृजा एंड ही इज कमिंग वेरी सून और वो बहुत ही शीघ्र आ रहा है टू टेक अस इन द मिड एयर ताकि हमको वो मध्यकाश में ले जाए सून द ट्रम्पेट विल साउंड बहुत ही शीघ्र तुर्री का आवाज सुना जाएगा नाउ ही इज प्रिपेयरिंग ए प्लेस फॉर अस वो अभी हमारे लिए एक स्थान प्रस्तुत कर रहा है द वर्क इज फिनिश्ड और जब वो काम पूरा हो जाए इज डूइंग दिस विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट और वो ये काम पवित्र आत्मा का अभिषेक की सहायता से कर रहा है व्हेन द वर्क इज फिनिश्ड जब ये काम पूरा हो जाए विल कम इन द मिड एयर वो मध्यकाश में आएगा देयर विल बी ट्रम्पेट साउंड और तुर्री के आवाज के साथ एंड ओनली दोज हु आर रेडी विल बी एबल टू हियर द ट्रम्पेट साउंड और उस समय में जो लोग तैयार हैं प्रस्तुत हैं वही केवल उस तुर्री के शब्द को सुनने पाएंगे अनदर थिंग नाउ साइंटिस्ट आर बिलीविंग एवोल्यूशन और वर्तमान हम लोग और एक विषय के विषय में देखेंगे वैज्ञानिक लोग जो है क्रमगत उन्नति या जीव उन्नति के संबंध में सिखाते हैं दे बिलीव दैट देयर वाज स्मॉल इंसेक्ट्स इन द बिगिनिंग देन दे स्टार्टेड ग्रोइंग दे बिकम बर्ड्स एनिमल देन एनिमल बिकम मैन और उन लोग इस प्रकार ऐसे इसे जीव उन्नति के पाठ में सिखाते हैं कि सबसे पहले केवल एक सेल या कोशिकाएं था और उसके बाद वो बढ़ने लगा उसके बाद वो छोटा सा कीड़ा हुआ और उसके बाद पक्षी हुआ जानवर हुआ और ऐसे चलते चलते अंत में इंसान बना सो मैन लुक समोड लाइक मंकी और इंसान जो है कुछ बंदरों के मानिंद दिखाई देता है मंकी लुक समोड लाइक मैन और बंदर भी कुछ इंसान के मानिंद ही है सो दे से मंकी इज द प्रीवियस स्टेज ऑफ मैन और इसलिए ये विज्ञान इस धारा में कहता है कि बंदर जो है मनुष्य का पूर्व अवस्था है एवरीथिंग एवॉल्व इट बिकेम मंकी देन मंकी बिकेम मैन हर चीज में उन्नति हुआ और ऐसे उन्नति प्रगति होते होते बंदर से इंसान बन गए बट इफ यू टेस्ट द ब्लड ऑफ मैन एंड ब्लड ऑफ मंकी लेकिन अगर आप बंदर के खून और इंसान के खून को तोल के या नाप के देखोगे या फिर उसको निरीक्षण करके देखोगे देयर इज नो कनेक्शन आप उसमें कोई भी संबंध नहीं पाओगे द ब्लड ऑफ पिक इज समवॉट कंपेरेबल टू मैन मनुष्य के खून के साथ अगर किसी का खून मिलता है तो वो सुअर का खून है एंड अनदर एनिमल इज डोंकी और दूसरा एक जानवर है वो है गधा सो दोस हू बिलीव एवोल्यूशन अगर आप जीव उन्नति विज्ञान को विश्वास करते हो और दे आर इनडायरेक्टली टेलिंग तो दूसरी तरफ से वो क्या कहना चाह रहे हैं अवर फोर फादर्स आर पिक हमारे जो पूर्वज हैं वो सुअर हैं अवर फोर फादर्स आर डोंकीज हमारे पूर्वज गधे हैं अवर फोर फादर्स आर मंकीज हमारे पूर्वज बंदर हैं नाउ इट इज टॉट एवरीवेयर इन एवरी स्कूल इन अमेरिका इट इज टॉट दैट मैन केम फ्रॉम थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इन दिनों में हरेक विद्यालयों में अमेरिका के हरेक शिक्षा पाठों में यही सिखा जा रहा है जीव उन्नति पाठ में कि मनुष्य जो है इस बंदर से आया है 60% ऑफ अमेरिकन्स डू नॉट बिलीव अबाउट क्रिएशन अमेरिका में निवास करने वाले 60% लोग सृष्टि के संबंध में विश्वास नहीं करते दे ऑल बिलीव एवरीथिंग केम फ्रॉम मंकी उन लोग सब यही विश्वास करते हैं कि हम सब बंदर से आए हैं नाउ सून
बहुत ही शीघ्र इन इंडिया ऑल द स्कूल्स ऑल द कॉलेजेस दिस लेसन विल बी इंट्रोड्यूस्ड और बहुत ही शीघ्र भारत के हर एक विद्यालयों में और हर एक पार्ट में इस पार्ट को रखा जाएगा इट इज ऑलरेडी देयर ये पहले से तो था बट इट इज नॉट इन एवरी बुक लेकिन वो हर किताब में नहीं विद इन 3-4 ईयर्स लेकिन 3-4 साल के अंतर्गत इट विल बी इन एवरी बुक स्कूल बुक एंड कॉलेज बुक हर एक स्कूल और कॉलेज की किताबों में एंड बिलीवर्स हु आर टीचर्स Believers who are lecturers and professors, you must teach that man came from monkey. और विश्वासी लोग जो लोग स्कूल में शिक्षक हैं या विश्वविद्यालय में उन लोग प्रोफेसर हैं उन लोगों को ये अनिवार्य है कि उन लोग सिखाए कि इंसान बंदरों से आए हैं Can you teach like that? क्या आप ऐसे सिखा पाओगे Any teachers are there? Teachers, lecturers, put up your hands. यहाँ पर अगर कोई टीचर या लेक्चरर है तो यहाँ पर हाथ को ऊंचा करेंगे Only स्कूल two. में पढ़ाने वाले ओके ओनली टू यू अंडरस्टैंड टीचर काम करने वाला सब बात उठाइए वन टू कितना मेरा आग ठीक नहीं दस दो ही है बस ओनली दो ओनली टू ओके सो अदर्स आर फ्री यू आर आउट ऑफ ट्रबल तो इसके लिए बाकी लोग इस समस्या में नहीं पड़ेंगे सो आफ्टर 2-3 इयर्स दो तीन साल के बाद यू हैव टू टीच द चिल्ड्रन मैन केम आउट ऑफ मंकी आपको ये अपने बच्चों को सिखाना ही पड़ेगा कि इंसान बंदरों से आया है बाइबल डजंट से लाइक दैट आई विल नॉट टीच लाइक दिस अगर आप ये कहोगे कि धर्मशास्त्र में ऐसा नहीं लिखा और मैं अपने बच्चों को ये नहीं सिखाऊंगा ओके नो प्रॉब्लम प्लीज गेट आउट उन लोग ये कहेंगे कोई बात नहीं कोई समस्या नहीं आप कृपा करके बाहर चले जाओ काम छोड़ के चले जाओ हम लोग कैसा सिखाना हम लोग सिखाएंगे तुम सिखाने की जरूरत नहीं इट विल कम व्हेन दैट कंडीशन कम व्हाट यू विल डू और इस प्रकार की स्थिति अगर आ जाए तो आप क्या करोगे यू हैव टू टीच आपको सिखाना ही यू डोंट बिलीव इट आप विश्वास भले ही ना करो इट इज इन द टेक्स्ट बुक लेकिन किताबों में पाठ में है यू हैव टू टीच इट और आपको सिखाना है सो व्हाट यू विल हाउ यू हैव टू टीच How you will teach? तो आप कैसे इसको सिखाओगे I will tell you how to teach. मैं आपको सिखाता हूँ कि आप कैसे सिखाओगे Teach like that. आप ऐसे सिखाना Then you will be no problem. तो आपको कोई समस्या नहीं होगा Government also will not do anything against you. सरकार भी आपके विरुद्ध में कुछ ना करेगा God also will not be angry. और परमेश्वर भी आपके ऊपर क्रोधित ना होगा How you have to teach? आपको क्या सिखाना है See boys and girls, the book says like this. देखो भाई और बहनों किताब इस प्रकार हमें सिखाता है But If this is true, अगर ये सत्य है there must be a animal or bat in between this. Suppose. तो ऐसा कोई जानवर या ऐसा कोई पक्षी होना चाहिए जो इस परिवर्तन के मध्य में दिखाई दे रहा हो Suppose monkey is growing. मान लो कि एक बंदर बढ़ रहा हो It becomes a man. और एक इंसान बन रहा हो One day it will not become a man. तो वो एक ही दिन में तो इंसान नहीं बनता It should become somewhat like man. तो वो थोड़ा थोड़ा करके इंसान के मानिंद होता okay, है It must have a face like man. उसका चेहरा इंसान के समान Hand and feet like man. उसका हाथ और पैर इंसान के मानिंद It must have a tail also. लेकिन उसका एक पूंछ भी होना चाहिए Slowly changing, no? और धीरे धीरे ये परिवर्तन आ रहा है ना एक दिन में बदल इन वन डे इट कैन नॉट बी चेंज एक दिन में ये नहीं बदलता If something happens like that, अगर ऐसा कुछ होता है suddenly man will see like this, there's a tail. अगर अचानक इंसान को देखते देखो देखो उस आदमी का पूंछ है But is it happening? क्या ये ऐसा हो रहा है Have you seen anybody with a tail? क्या कभी भी आपने किसी भी इंसान को पूंछ के साथ देखा है Have you seen a fish changing into a bird? क्या आपने किसी भी मछली को पक्षी बनते हुए देखा है And have you seen a bird changing into an animal? क्या आपने किसी भी पक्षी को एक पशु बनते हुए देखा है Have you seen a monkey changing into a man and come to school? क्या आपने कभी भी एक बंदर को इंसान बनते हुए और स्कूल जाते हुए देखा है बच्चा लोग देखा कौन कौन देखा हाथ उठाए कोई भी देखा नहीं इट इज कॉल्ड एज मिसिंग लिंक इसका अर्थ यह है कि ये जो कड़ियां हैं वो उसमें कुछ जो है वो नहीं है इफ द एवोल्यूशन इज ट्रू अगर जीव उन्नति की शिक्षा सही है देयर मस्ट बी लिंक तो इसमें एक कड़िया होना चाहिए सो नो सच एविडेंस इज देयर लेकिन ऐसा कोई भी कड़ियां हम लोग जोड़ते हुए पाते नहीं है वी कैन नेवर सी अ प्लांट चेंजिंग इनटू फिश चेंजिंग इनटू एनिमल एनिमल चेंजिंग इनटू Fish changing into bird and bird changing into animal and animal changing into man. हम ऐसा कोई भी परिवर्तन देखने नहीं पाते जहां पर कोई वृक्ष कोई मछली बन जा रहा हो या कोई मछली कोई पक्षी बन जा रहा हो या कोई पक्षी कोई पशु बन जा रहा हो या फिर कोई बंदर कोई इंसान बन जा रहा हो And tell them, children, you yourself decide.
इसके लिए हे बच्चों अब तुम खुद ही सोच के देख लो। इफ यू वांट यू कैन टेक अ सेरोस्कोपी नाउ इट्स एंड कीप इट विद यू। अगर आपको एक सेरोस्कोपी चाहिए तो अभी भी आप लेकर के रख लीजिए। एंड यू शुड टेल द चिल्ड्रन इफ एवोल्यूशन इज ट्रू यू मस्ट हैव अ टेल। तो आप अपने बच्चों को इस प्रकार बताएंगे कि अगर सच में जीव उन्नति की ये शिक्षा सही है तो एक पूंछ होना चाहिए। योर ग्रैंडफादर मस्ट हैव अ टेल एटलीस्ट। आपके जो दादा है उसके अंदर पूंछ होना। द ओल्डेस्ट पर्सन इन द विलेज मस्ट हैव अ लिटिल टेल एटलीस्ट। और कम से कम आपके गांव में जो सबसे बुजुर्ग है उसका थोड़ा सा तो पूंछ होना चाहिए। टिल एडम टिल नाउ 6000 इयर्स हैव पास्ड बट वी डू नॉट चेंज एनी मंकी चेंजिंग इन टू मैन। लेकिन 6000 साल बीत गया आदम से लेकर के अब तक एक भी बंदर को इंसान बनते हुए हमने नहीं देखा। सो टीच द लेसन एज इट इज इन द बुक। और उसको वैसे ही सिखाओ जैसे किताब में है। टीचर्स एंड लेक्चरर्स। टीचर्स भी और लेक्चरर्स भी। बिकॉज यू हैव टू टीच एज इट इन द बुक। क्योंकि किताब में जो है आपको सिखाना ही पड़ेगा। फाइनली एक्सप्लेन दिस। किंतु बाद में आपको ये भी सिखाइए। एंड टेल यू गो एंड फाइंड आउट इन योर विलेज एनीबॉडी हु सेड टेल कम एंड टेल मी टुमारो। और उसके बाद आप जाओ और गांव में सबको ढूंढो कि कहीं किसी का पूछ तो नहीं है। टेल देम सी यू सी ऑल दिस थिंग द लिंग इज मिसिंग सो यू योरसेल्फ डिसाइड। और आप इस सारी बातों को बताने के बाद आप उसको बोलिए कि ये जो कड़ियां जो जुड़ना है वो जुड़ नहीं रहा है तो कुछ तो वहां पर नहीं है लोप हो गया है तो आप सोचिए कि क्या करना है। देन दे विल देमसेल्फ अंडरस्टैंड। तब वो खुद ही समझ जाएंगे। वी नीड नॉट से गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग। हमें कहने की जरूरत नहीं कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया। वी नीड नॉट से दैट मैन केम फ्रॉम मंकी। हमें कहने की जरूरत नहीं कि इंसान बंदर से आया है। जस्ट टेल एवरीथिंग एज इट इज। जो सही है आप उसको वैसे ही बता दीजिए। टेल द चिल्ड्रन यू योरसेल्फ डिसाइड। और आप बच्चों को बोलिए कि अब आप खुद ही इसका निर्णय लो। दे देमसेल्फ विल दे आर वेरी क्लेवर यंगर जनरेशन आर वेरी क्लेवर दे विल अंडरस्टैंड ओ देयर इज अ क्रिएटर गॉड बिहाइंड ऑल दिस। वर्तमान की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी वो बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान है उन लोग खुद ही इस बात का निर्णय ले लेंगे। So when we see all these things, जब हम इन सारी बातों को देखते हैं, understand the coming of the Lord is very very near. हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन सन निकट है। Now from the scientific facts and the medical facts, we have understood that the Bible is the inspired word of God. परमेश्वर के शास्त्र के द्वारा वैज्ञानिक तौर से चिकित्सा रीति से हम देखने पाए हैं कि वचन सत्य है। So whatever the Bible says, we should practice. इसी कारण से धर्मशास्त्र में जो भी कुछ लिखा है हम उसको अभ्यास में लाना चाहिए। Today we studied that. बीते संध्याकालीन समय में हमने सीखा। बाइबल सेज लेट अस गो ऑन इनटू परफेक्शन। धर्मशास्त्र कहते हैं कि आओ हम सिद्धता में बढ़ते चले जाएं। So we should go on into perfection. तो हमें सिद्धता में बढ़ते चले जाना है। We receive many blessings from God. हम लोग परमेश्वर से कई आशीषों को पाए हैं। We receive joy. हमने आनंद को पाया। We receive peace. हमने शांति पाया। We receive grace. हमने अनुग्रह पाया। We have eternal life. हमने अनंत जीवन पाया। In everything we should go on into perfection. इन सारी बातों को जो हमने पाया हम सब में पूर्णता में या परिपूर्णता में बढ़ना है। So yesterday we studied about joy. बीते संध्याकालीन समय में हमने आनंद के संबंध में पढ़ा। Whenever sins are forgiven only we receive the real joy. जब हमारे पाप की क्षमा होता है तभी एक वास्तविक आनंद और हर्ष हम पाते हैं। Now we have to grow in this joy. वर्तमान हमें इस आनंद में बढ़ना है। And we should go on into perfection. और हमें उसकी पूर्णता में या सिद्धता में बढ़ना है। Yesterday what did we study? बीते दिन हमने क्या सीखा था? We received the joy of salvation. हमने उद्धार के आनंद को पाया। And we should preserve that joy of salvation always by not committing sin. पाप ना करते हुए उद्धार के आनंद को हम संभाले रखना चाहिए। When we our sins are forgiven, जब हमारे पाप क्षमा हो जाता है, we rejoice. हम आनंदित होते हैं। As a single person, हम लोग अपने आप में, we all can rejoice. और हम सब मिलकर के भी, heaven rejoice. और स्वर्ग भी खुशी मनाता है। Angels are rejoicing. स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं। We can make to others who are in this world to rejoice. और हम लोग उन दूसरों को भी जो इस संसार में खुशी मानने के लिए देते हैं। I can make others who are not born in this world also to rejoice. और हमारे जीवन के द्वारा जो इस संसार में अब तक जन्म नहीं लिए हैं उन्हें भी आनंदित और हर्षित कर देते हैं। If you really believe God and obey Him. अगर आप सच्चे रीति से ईश्वर को विश्वास करो और उसका अनुसरण करो या उसकी आज्ञाओं को मानो, you will always fill with the joy of salvation. आप हमेशा उद्धार के आनंद में परिपूर्ण रहोगे. And wherever we are kept, we will be a great blessing for many. आपको जहां कहीं भी रखा जाए आप बहुतों के लिए आशीष बन जाओगे. Many shall be blessed and delivered through us. आपके द्वारा या हमारे द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होंगे, छुटकारा को पाएंगे. Bible says how we must have the fullness of joy also. धर्मशास्त्र
शास्त्र इस बात का भी उल्लेख करता है कि आनंद की परिपूर्णता को हम कैसे पा सकते हैं। बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग, उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूंगा। व्हेन वी ग्रो इन द फुलनेस ऑफ जॉय, जब हम लोग इस आनंद की परिपूर्णता में बढ़ते हैं, वी ट्राई टू गेट द फुलनेस ऑफ जॉय इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में आनंद की परिपूर्णता जब पाने की चाहते हैं, वी हैव टू गो थ्रू सफरिंग ऑल्सो समटाइम्स, उस समय में कई बार अक्सर हमें कष्टों के मार्ग से गुजरना पड़ता है। लाइफ विल नॉट बी लाइक लाइंग अपॉन द बेड ऑफ रोसेस, और ये ना सोचिए कि हमारा जीवन एक ऐसा जीवन होगा जो एक फूल के सज्जे में हम सोए हुए हो। बिकॉज ऑफ द ट्रूथ, सच्चाई के कारण वी हैव टू सफर, हमें दुख उठाना है, वी मे बी पुट इन टू शेम, हमें लज्जित होना पड़े, मे बी फॉल्सली अक्यूज्ड, हमें झूठ, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जाए, मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द जॉब, हमें नौकरी से निकाल दिया जाए, मे बी सेपरेट फ्रॉम द विलेज, हमें गांव से अलग कर दिया जाए, पीपल स्पीक अगेंस्ट यू, लोग हमारे विरुद्ध में बातें करेंगे, यू मे बी बीटन, आपको मारेंगे, इवन वी मे बी किल्ड, आपको मार भी डालेंगे। इट्स हैपनिंग एवरीवेयर, ये ऐसा ही हो रहा है। द डेज टू कम इट विल हैपन मोर, आने वाले दिनों में और भी होगा। बट व्हेन सच थिंग्स हैपन आल्सो, लेकिन ये सारी बातें जब हो, वी शुड बी हैप्पी, उस समय में भी हम खुशी मनाना चाहिए। लूक 6:22-23 वी रीड, लूक रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 22 और 23 वचन में हम पढ़ते हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। Blessed are ye when men shall hate you, and when they shall have separate you from the company, and shall reproach you, and cast out your name as evil for the Son of Man's sake. Rejoice ye in that day, and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven, for in the like manner did their fathers unto the prophets. How many of us have done like that? हम में से कितनों ने ऐसा किया है? When we go through trouble, जब हम लोग कई प्रकार के समस्या में जाते हैं, we bear it. We will bear it. हम लोग जब उसको सहते हैं, हम लोग सहते हैं, we'll bear it. हम सहते हैं, take it as the will of God. और ये प्रभु की मर्जी करके ले लेते हैं। We know that God will give us reward. और परमेश्वर हमको इनाम या प्रतिफल देगा, ये भी हम जानते हैं। We become very happy. और हम खुशी मनाते हैं। We are not very much grieved. हम लोग इतना अधिक दुखी नहीं होते हैं जब परीक्षा में जाते हैं। Those who say I did like that when I went through trouble because of the truth, kindly put up your hands. जो लोग इस प्रकार कहते हैं कि हाँ सत्य के कारण मैं कई प्रकार के क्लेश और समस्या से होकर के गुजरा हूँ, उन लोग केवल हाथ को उठाएंगे। गुजरने का टाइम ऐसा खुशी था बोलने वाला, और इस प्रकार के दुखों में जाने के टाइम में मैं खुश था, मैं दुखी नहीं हुआ, ऐसे बोलने वाले हाथ को उठाएं। ओके, अराउंड 30 पीपल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला सवाल, डिड यू लीप, डिड यू जंप एंड रिजॉइस्ड बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट मोर रिवॉर्ड? और आप लोग इस प्रकार कष्ट और क्लेश पाए इस कारण से क्या आप उछल के कूद के खुशी मनाए हैं? आपको मार दिया, आपको मारा, आप जम क्या है, मुझको मार दिया, हमको बहुत रिवार्ड मिलने वाला है, ऐसा किया, मेरे को मारा बोल करके क्या आप उछल करके प्रभु मुझको बहुत बड़ा प्रतिफल देगा करके क्या आप उछले हैं? ऐसे बोलने वाला हाथ उठाइए, ऐसे जो लोग उछले हाथ उठाइए। एक ही अम्मा है, एक ही माँ है, एटलीस्ट वन अम्मा इज देयर, आई एम वेरी हैप्पी, कम से कम एक माँ तो यहाँ है, मैं बहुत खुश हूँ। इट्स वेरी इजी टू से, बहुत ही आसान है ये कहने की, नाइस टू प्रीच, और प्रचार करने के लिए बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकली व्हेन प्रॉब्लम कम्स, कि तू जब हमारे जीवन में जब ये होता है या सामना करना पड़ता है, टेक इट एज द विल ऑफ गॉड, हम इसे परमेश्वर की मर्जी करके ले तो लेते हैं, एनीथिंग हैपन वी विल नॉट लीव गॉड, कुछ भी हो जाए हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, बट कैन वी जंप एंड रिजॉइस, किंतु क्या हम उछल के कूद के खुशी मना सकते हैं? In Acts 5:41 we read about some persons, servants of God. प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 47 वचन में कुछ सेवकों के बारे में हम इस प्रकार पढ़ने पाते हैं। They were beaten. उनको मारा। And they were told not to speak about Jesus. और उनको ये कहा गया कि तुम और यीशु का प्रचार नहीं करना। 5:41 आ गया। 41। Okay. वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के लिए योग्य तो ठहरे। दे बिकेम सो हैप्पी, उन्होंने इतने आनंदित हुए, थिंकिंग दैट उन्होंने उसको इस प्रकार लिया, व्हाट अ वंडरफुल प्रिविलेज टू सफर फॉर जीसस, ओ प्रभु के लिए निरादर होने के लिए कितना सुंदर एक सौभाग्य मिला करके उन्होंने कहा। दे बिकेम वेरी हैप्पी, उन्होंने बहुत ही आनंदित हुए। व्हेन पॉल एंड साइलस वेर बीटन एंड पुट इन द प्रिजन, जब पौलुस और शीलास को मार के जब बंदीगृह में उसको बंदी बना दिया गया, दे वेर एबल टू सिंग,
praising God. उन लोग उस मध्य रात में परमेश्वर को स्तुति और गीत गान करने पाए. Because they had a revelation about the reward. क्योंकि उनको उस प्रतिफल के संबंध में एक प्रकाशन था. Sometimes believers, some believers to those who go through suffering because of the truth, they feel like that, oh, other believers, they are okay, they are coming with the whole family. I am alone, I am beaten, I am rejected, I am put going into shame. They are grieved so much. कुछ विश्वासी लोग जब दूसरे विश्वासियों को देखते हैं, जब उनके जीवन में दुख और क्लेश आता है तो वो लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं. ये कहते हुए वो परिवार कितना अच्छा है, पूरे परिवार के साथ वो लोग प्रार्थना में जाते हैं, एक साथ वो लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन मैं को तो सबने, मेरे परिवार ने छोड़ दिया, मेरे को रद्द कर दिया, तुच्छ कर दिया, अकेला कर दिया, इस प्रकार सोचते हैं. यू मे बैर इट फॉर जीसस, बट यू मे फील सैड. हम लोग उसको सहते तो हैं, यीशु के लिए सह लेते हैं, बट अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हैं. बट रिमेंबर When you are suffer, you are going to be rewarded. किंतु याद रखिए कि जब आप प्रभु के लिए दुख उठाओगे तभी आपको प्रतिफल मिलेगा. You may be the only person from the family or from the village. आप शायद उस गांव के, उस परिवार के केवल एकमात्र एक ही व्यक्ति हो. That means you have to suffer. आपको इसका अर्थ है दुख उठाना है. But don't worry. किंतु चिंता ना करो. Thinking about reward, you should rejoice. आप उस प्रतिफल के बारे में सोचते हुए प्रभु में आनंदित हो. There's one mother in Bombay. मुंबई में एक माँ है. वेल एजुकेटेड लेडी. वो बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही शिक्षित दिखती है. वेरी स्पिरिचुअल. वो बहुत ही आत्मिक है. हर फैमिली मेंबर्स दे आर नॉट क्रिश्चियंस. लेकिन उसके परिवार के अन्य सदस्य मसीही नहीं है. एंड शी केम फॉर द टायरिंग मीटिंग. वो इंतजार सभा में आती है. रीच्ड होम एट 11:30. और रात के 11:30 बजे घर पहुंचती है. रैंग द बेल. और घंटी, घर की घंटी बजाती है. डॉटर इन लॉ केम. और उसकी बहू बाहर निकलती है. एंड गिव ए नाइस ब्लो, व्हाई यू आर कमिंग सो लेट. और उसको एक अच्छे से तमाचा जड़ देती है, क्यों इतना देरी से आई. सो दिस मदर कैन बीट बैक, बट शी डिड नॉट बीट. ये माँ भी अपने बहू को उल्टा मार सकती थी किंतु नहीं करती है. शी केप्ट प्रेज द लॉर्ड एंड वेंट इनसाइड. वो केवल चुपचाप प्रेज द लॉर्ड बोलकर के कमरे में प्रवेश करती है. शी डिड नॉट स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट द डॉटर इन लॉ. वो कभी भी अपने बहू के विरुद्ध में बात नहीं करती. सो लाइक दैट मेनी चिल्ड्रन ऑफ गॉड दे गो थ्रू सफरिंग. ऐसे बहुत सारे ईश्वर के संतान दुखों के मार्ग से गुजरते हैं. इफ यू हैव द रियल जॉय ऑफ सैल्वेशन. अगर हमारे अंदर एक सच्चा उद्धार का आनंद है. इफ यू हैव द रेवलेशन अबाउट योर रिवॉर्ड. अगर उस प्रतिफल के बारे में प्रकाशन है. देयर इज नथिंग टू वरी. हमें कोई चिंता का विषय नहीं. वी कैन सी द रिवॉर्ड, वी कैन रियली जंप एंड लिव फॉर जॉय. अगर उस प्रतिफल के बारे में हम सोचेंगे या उसके बारे में जानेंगे, हम आनंद से उछल पड़ेंगे. इन ए प्लेस बाय नेम रोमेनिया. रोमेनिया नामक स्थान में वंस द कम्युनिस्ट अरेस्टेड 40 क्रिश्चियंस. कुछ साम्यवादी लोगों ने 40 मसीही को पकड़ लिया. एंड दे डिसाइडेड दे शुड बी किल्ड. और उन लोगों को कहा कि उन लोगों को मार दिया जाएगा. एंड How the punishment was, judgment was given. और उन लोगों के लिए जो न्याय घोषित किया गया. Their aim was not just killing them. उनका जो लक्ष्य था केवल इन लोगों को मार देना नहीं था. They should try their level best to make them to deny their faith. उन लोगों का पूरी कोशिश यही था कि उन लोग अपने विश्वास को त्याग दे. So what they decided? और इसके लिए उन्होंने क्या किया. इट वॉज अ कोल्ड कंट्री. वो एक ठंडा देश है. इन रशिया इट विल बी वेरी कोल्ड इन द विंटर सीजन. और ठंड के समय में वो देश में बहुत ही ठंड पड़ता है. टेम्परेचर गोस अप टू -40 ऑल्सो. और वहां पर ठंड का तापमान -40 तक चले जाता है. दे टोल्ड दैट ऑल शुड स्टैंड अप ऑन आइस. दे अरेंज आइस. ऑल द 40 शुड स्टैंड अप ऑन देयर आइस विदाउट ड्रेस. और उन लोगों को इस प्रकार दंड दिया गया कि ये सारे 40 मसीहों को बिना कपड़े के इस बर्फ के ऊपर खड़ा रहना है. सो व्हाट विल हैपन. फिर क्या होगा. व्हेन दे स्टैंड. जब लोग खड़े होंगे. द ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग टू द फीट. और उसके पांव से ठंडक चढ़ने लगेगा. फीट विल डाई. और उसका पांव जो है सिकुड़ के मर जाएगा. सीवियर पेन. और दर्द होने लगेगा. देन स्लोली ऑल द ब्लड इट विल फ्रीज. और उसके बाद धीरे धीरे शरीर का जितना भी लहू है वो सब जम जाएगा. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ये बहुत समय लेगा. बट देयर विल लॉट ऑफ पेन. और बहुत समय के साथ ही साथ उसमें बहुत दर्द होगा. अनबेरेबल पेन. उसको असहनीय दर्द होगा. सो दे थॉट इफ यू टेल देम टू डाई लाइक दिस दे विल डिनाई जीसस. और उन्होंने ऐसा सोचा कि इस प्रकार उन लोग को दंड दिया जाए तो उन लोग दर्द के मारे शायद यीशु का परित्याग कर दे. They made all the 40 to stand on the ice. उन सारे 40 लोगों को उस बर्फ के ऊपर खड़े होने को कहा. Officers, soldiers, they were sitting near the fire, eating nicely. और वहां पर जो पुलिस अधिकारी थे उन लोग सब आग के पास बैठ करके अपने आप को ताप रहे थे,
खान पान कर रहे थे. एवरी फाइव मिनट देवर अनाउंसिंग डिनाई जीसस, इफ यू डिनाई जीसस यू कैन कम एंड वार्म योरसेल्फ इन द फायर, वील गिव यू नाइस फूड. जस्ट डिनाई जीसस, जस्ट से आई डिनाई जीसस, दैट्स एनफ. उन लोग हर पांच मिनट में इस प्रकार घोषणा करते कि केवल यीशु मसीह को परित्याग कर दो, अगर आप यीशु मसीह को परित्याग कर दोगे तो आपको इस प्रकार दुख उठाने की जरूरत नहीं होगा, आप आग में आकर के अपने आप को सेक सकते हो, केवल यीशु को परित्याग कर दीजिए. अच्छा खाना भी देगा, अच्छा खाना भी देंगे. So they used to announce every 5 minutes. हर पांच मिनट में इन लोग बार बार उनको कहते रहते. And there was a very intelligent officer. वहां पर एक बहुत ही ज्ञानी, एक बहुत ही एक अच्छा ज्ञानी एक अधिकारी था. He started thinking. वो सोचने लगा. Why the Christians are dying like this? क्यों ये मसीह लोग ऐसे मरते हैं? Just if say one word, I deny Jesus, finished. एक बात अगर कह दे कि हाँ मैं यीशु को इनकार करता हूँ, खत्म हो गए ये दुख. They can get a night food. अच्छा खाना मिलेगा. No suffering. कोई दुख नहीं. They'll get a nice job. अच्छा नौकरी मिलेगा. Why they are doing like this? क्योंकि क्यों इन लोग ऐसा कर रहे हैं? What is behind this? इसके पीछे रहस्य क्या है? Very seriously thinking about that. और वो बहुत ही गंभीर रीति से इस बात को सोचने लगा. Then suddenly he saw a vision. अचानक उसने एक दर्शन देखा. 40 angels were coming from heaven with beautiful crown in their hands. और देखा कि 40 स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर रहे हैं और उनके हाथों में सुंदर सुंदर मुकुट है. When he saw it, जब उसने देखा, he saw 39 angels were very happy and one angel was little sad. He is coming down and going up, coming down, going up. और उसने देखा कि दर्शन में कि ये जो स्वर्गदूत उतर रहे उसमें से 39 स्वर्गदूत बहुत ही खुशी के साथ उतरते हुए आ रहे हैं, किंतु उसमें से एक स्वर्गदूत का चेहरा उदासी से छाया हुआ है और वो ऊपर जाता है फिर नीचे उतरता है, ऊपर जाता है फिर नीचे उतरता है. By the time one Christian said, "Yes, I am ready to deny Jesus." जब ऐसा वो दर्शन देख ही रहा था तब एक मसीही व्यक्ति ने इस प्रकार कहा कि मैं मसीह को इनकार करता हूँ. They brought him to the fire. और उसको उस आग के पास लाया गया. Made him to warm himself. और उसको आग से सेकने को दिया गया. He gave something to drink. और उसको खाने पीने के लिए कुछ दिया. Then this officer understood. जब और उसके बाद इस ऑफिसर को पता चला, दिस फेलो हैज लॉस्ट हिज क्राउन, इस व्यक्ति ने अपने मुकुट को खो दिया है. देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर द सफरिंग फॉर जीसस, दैट्स व्हाई द क्रिश्चियंस आर डाइंग लाइक दिस. यीशु मसीह के नाम से मरने में एक प्रतिफल मिलता है, इसीलिए ये मसीही मसीह के लिए मरते हैं. ही वाज द मेन ऑफिसर देयर, और ये वहां पर मुख्य अधिकारी था. ही सेड आई एक्सेप्ट जीसस एज माय सेवियर नाउ, और उसने वहीं पर इस बात को घोषित किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं. रिमूव ऑल द क्लॉथ बाय हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से सारे वस्त्र निकाल दिए. He went and stood on the ice, और वो उस बर्फ में जा खड़ा हुआ. He died along with the Christians, और बाकी मसीहों के साथ ये भी मरा. Dear children of God, for all our suffering, one day we are going to be rewarded. परमेश्वर में प्रिय लोगों, एक दिन हमारे सारे इन दुखों और क्लेशों के लिए हमें प्रतिफल मिलेगा. The more you suffer, more glory we are going to get. जितना ज्यादा हम दुख उठाएंगे उतना ज्यादा महिमा पाएंगे. Not only you, many children of God have gone through this path already. केवल आप ही नहीं, ऐसे कई परमेश्वर के लोग इस प्रकार के मार्ग से होकर गुजरे हैं. बाइबल से दे हैव डन सच थिंग टू द प्रॉफिट्स आल्सो, और धर्मशास्त्र कहते हैं कि वे लोगों ने इस भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा ही किया. सो लेट एनीथिंग हैपन, यू शुड नॉट बी शेकन, इसलिए कुछ भी क्यों ना हो जाए हम ना डगमगाएं. देयर वाज अ बिलीवर इन ओडिशा. मैं ओडिशा में एक विश्वासी है. वाज अटेंडिंग हिज चर्च बिफोर सैल्वेशन, और उद्धार में आने से पहले इस भाई की कलीसिया में वो जाया करती थी. ही केम फॉर ऑल द बाइबल स्टडीज, लिसन द वर्ड ऑफ गॉड केयरफुली. वो सारे बाइबल स्टडी में आती थी, परमेश्वर के वचन को बहुत ही ध्यान से सुनती. शी कैन प्रीच वेरी नाइसली, मोर देन मी, और मुझसे भी अच्छा ये बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं. शी अंडरस्टूड एवरीथिंग, और वो बहन सब कुछ समझ गई. शी टुक बैप्टिज्म, उसने बपतिस्मा लिया. When she took baptism, और जब उसने बपतिस्मा लिया, she removed all the jewels also. उसने अपने सारे आभूषणों को निकाल दिया. Kept the jewel in the faith itself and went home. और वो विश्वास भवन में सारे आभूषणों को रख करके वो अपने घर लौट गई. Even the husband came. और उसका शाम को उसका जब पति लौटा, he was the बॉडी गार्ड ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का अंगरक्षक था. वेरी टफ मैन, और वो बहुत ही कठिन कठोर आदमी था. एंड ही सॉ देयर इज नो ज्वेल्स, उसने देखा कि उसकी पत्नी के शरीर में कोई आभूषण नहीं. ही सेड आई टुक बैप्टिज्म, और उसने कहा कि मैंने बपतिस्मा लिया. शी गॉट एंग्री, स्टार्टेड बीटिंग लाइक एनीथिंग, और उसको इतना गुस्सा आया कि उसने उस बहन को बहुत ही मारना शुरू किया. टुक द गन एंड सेड, राइट नाउ आई विल किल यू, और उसने उस बंदूक को लिया जो उसके हाथ में था कि मैं तुझको मार डालूंगा. एंड आई विल एक्ट लाइक ए मैड पर्सन, पुलिस विल नॉट डू एनीथिंग, और मैं पागलों के समान घूमूंगा और कोई मुझको नहीं पकड़ेगा. यू शुड नॉट बी लाइक दिस, और तू ऐसा नहीं होना.
By the time the brother came to know, और इस बीच में फेतम के भाई को इस बात का पता चला, husband is beating, और कि पति उसको मार रहा है, so he sent all the jewels, और उसने वो सारे आभूषणों को भेजा, send the believers, told the believers, send some believers, और कुछ विश्वासियों को उसके साथ भेजा, and told them to tell her, don't worry, your husband is not saved, so you are wearing the jewels. Already they told, but she refused to listen. You can wear no problem because you are having suffering. Take the jewels, wear no problem. When the husband is saved, you can remove it. और वहाँ के ब्रदर ने उन विश्वासियों के द्वारा यह कहला भेजा कि आपका पति इसलिए कि वो उद्धार नहीं पाया है, आप लोग ये आभूषण को पहन सकते हो, जब वो उद्धार पाएंगे तो आप छोड़ देना, अभी आप उसके लिए कुछ चिंता मत कीजिए करके उस विश्वासी को बुलवा भेजा। Her husband shouted at those believers also. और वो विश्वासी लोग जब घर पहुंचे तो इस पति ने उन लोगों को भी बहुत गाली गलौज किया। Then they were worried. वो लोग चिंतित हुए। She thought the sister will be discouraged. और उसने सोचा कि ये बहन जो है निराश हो जाएगी। But sister suddenly came inside. और वो from inside. और वो बहन बाहर भीतर से बाहर आई। Husband was sitting, believers were sitting. वहाँ पर विश्वासी लोग बैठे हैं, उसका स्वामी बैठा हुआ है। She said, I had the word of God 3 years. और उस बहन ने उस विश्वासियों के सामने इस प्रकार कहा कि मैंने परमेश्वर के वचन को पिछले 3 साल से सुना। I understood Jesus died for me. और मैं इस बात को समझ पाई हूँ कि यीशु मेरे लिए मरा है। So I decided to take baptism. और इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं बपतिस्मा लूंगी। आई हैव टू डाई वन डे, मुझको तो एक दिन मरना है। इफ यू किल मी, अगर मेरा पति मुझको मार दे, यू आर माई हस्बैंड, तू मेरा पति है, आई विल बी हैप्पी टू डाई इन द हैंड्स ऑफ माई हस्बैंड, मेरे पति के हाथ से मरने के लिए मैं खुश हूँ। बट आई विल नेवर स्टॉप गोइंग टू द चर्च, आई विल नेवर पुट ऑन माई ज्वेल्स व्हिच आई रिमूव्ड, ना ही मैं चर्च में जाना छोड़ूंगी और ना ही मैं आभूषण पहनूंगी। दैट फेलो वाज शॉक्ड, और उसको ये झटका लगा। ही कुड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। And after that, he allowed her to go to church. Now he is also a member of the church. और उसके बाद उसने उसको चर्च में जाने के लिए अनुमति दिया। अब वो भाई भी गिरजा में आ रहा है। In another family, और एक परिवार में, the wife only was saved. केवल पत्नी केवल उद्धार पाई थी। Sunday, with great difficulty, he used to send her to the church. और बहुत ही मुश्किल से उसका जो पति है, इस बहन को कलीसिया में जाने के लिए देता था। One day, Sunday morning, she was sitting and kneeling down and praying. और एक दिन रविवार के सुबह का समय है, वो अपने कमरे में बैठ के जब प्रार्थना कर रही थी, the husband got angry. उसका पति को गुस्सा आ गया। He did something. उसने कुछ किया। You may not believe it also. और आप विश्वास भी ना करोगे क्या उसने क्या किया? He brought one glass of urine and poured it upon her face. और उसने एक ग्लास पेशाब को लाया और उसकी पत्नी के ऊपर उसने डाल दिया। She did not say anything. उस बहन ने कुछ नहीं कहा। She just went to the room. वो केवल अपने कमरे में गई, washed her face, अपने चेहरा को धोई, and took bath, नहाई, changed the dress, कपड़ा बदली, and came and started praying again. और दोबारा फिर प्रार्थना करने लगी। He prayed for half an hour, आधा घंटा प्रार्थना किया, and went to the husband, और अपने पति के पास गए, can I go to the church today? और पूछा क्या आज मैं प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर जाऊं? Started trembling. और उसका पति खतराने लगा। How she so cool? ये इतना शांत कैसे है? I poured urine in her face. मैंने उसके चेहरे के ऊपर पेशाब डाला। But how she is come and able to come and talk to me with love? किंतु ये कितने प्रेम से, शांति से आकर के मुझसे बात करती है। He was shaken. वो घबरा गया। He said, okay, you go. उसने बोला कि ठीक है, जाइए। Later days, he also became our believer. और उसके बाद वो भी हमारे विश्वासी बन गए। Children of God, let any problem come. हे परमेश्वर की प्रिय संतान, कुछ भी समस्या क्यों ना आए, put into shame, हमको लज्जा होना पड़े। You'll be rejected by your family members. परिवार के द्वारा हमको तिरस्कार किया जाए। Your village, हमारे गांव के लोग। You may be beaten. हमको मारने से भी। You may be falsely accused. आपको आपके ऊपर झूठा आरोप लगाए। But let anything happen, कुछ भी be happy. कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमेशा खुश रहिए। We should never be grieved also. हम कभी भी दुखी ना हो। We should praise God like Paul and Silas. पौलुस, सीलास के समान हम परमेश्वर की स्तुति करें। Because our reward is more when we go to heaven. क्योंकि जब हम स्वर्ग जाएंगे हमारा प्रतिफल बड़ा है। How many of you believe this? कितने लोग विश्वास करते हैं? How many of us can say that yes, I will be happy, let anything happen against me? मेरे जीवन के विरुद्ध में कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा आनंदित रहूंगा। कितने लोग कहेंगे? I will jump and rejoice. मैं उछल के खुशी मनाऊंगा। We can all do it. हम सब कर सकते हैं। We must do it. हम करना चाहिए। Because our reward is more in heaven. क्योंकि स्वर्ग में हमारा प्रतिफल बड़ा है। If you don't jump in front of others also, go inside the room, you can jump and dance and rejoice. हो सकता है कि हम दूसरों के सामने ना उछले कि तू कमरे में जाकर के उछल के खुशी मनाए। Because when we go to heaven only we understand, for all the suffering I am getting so many glory. क्योंकि जब हम स्वर्ग जाएंगे तभी हमको पता चलेगा इन सारे दुखों और क्लेशों के कारण ही इतना महिमा हमको मिला।
है. When we go through suffering also because of Jesus, because of the truth, we should be happy. जब हम लोग यीशु के नाम के खातिर, सच्चाई के खातिर कष्ट और क्लेशों के मार्ग में जाएं, तब भी खुशी मनाना चाहिए. That is also a way of real full of joy. वो भी आनंद की परिपूर्णता है. When everything goes well, we can say praise the Lord, hallelujah. It is very easy. जब सब कुछ सामान्य रहता है, ठीक ठाक चलता है, उस समय में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलना बहुत ही आसान है. But when everything goes against us, we should be able to rejoice and say praise the Lord and hallelujah. किंतु जब सब कुछ हमारे विपरीत होता है, उस समय में परमेश्वर को स्तुति करना, धन्यवाद करना मुश्किल होता है. Then only we are very strong. If you do like that only, we are very strong. जब हम लोग इस प्रकार करेंगे तो ही हम लोग बहुत ही मजबूत होंगे. इफ यू प्रेज गॉड एंड रिजॉइस एट द टाइम ऑफ सफरिंग देन यू बिकम स्ट्रांग. जब हम लोग परमेश्वर हमारे दुख और क्लेशों के मध्य में परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करेंगे तब हम लोग बलवंत होंगे. देन गॉड विल हेल्प यू टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेल्वेशन. तब हमको उद्धार के अगले कदम में जाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करेगा. अबाउट दैट वी विल स्टडी टुमारो. और इसके संबंध में हम कल सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय. सबसे पहला विषय ईश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. रीड जॉन 16:24. वी विल रीड दिस वर्स एंड फिनिश. योहन्ना के सुसमाचार 16 अध्याय के 24 वचन को केवल पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए. टू हैव यू आस्क्ड नथिंग इन माय नेम, आस्क एंड यू शैल रिसीव, दैट योर जॉय मे बी फुल. वर्स 23 सेज. और योहन्ना के सुसमाचार 16 का 23 में लिखा है, व्हाटएवर यू शैल आस्क द फादर इन माय नेम ही विल गिव इट यू. जो भी कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा. व्हेन ऑल योर प्रेयर्स आर आंसर्ड, जब हमारी सारी प्रार्थना सुन लिया जाए, योर जॉय मे बी फुल, योर जॉय विल बी फुल, आपका आनंद पूरा होगा. व्हेन गॉड सेज इट विल हैपन, और जब ईश्वर ने कहा है तो वैसा ही होगा. When God says I will answer all your prayers, he will surely do that, do like that. और जब परमेश्वर कहता है कि वो हमारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा तो वो निश्चय ऐसा करेगा. If God answers all our prayer, how nice it will be. अगर परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब दे तो वो कितनी सुंदर बात है. We will be the happiest person in this world. हम लोग इस संसार के सबसे खुश नसीब होंगे. How many of us want to get such a fullness of joy? कितने लोग इस आनंद की परिपूर्णता को चाहते हैं? Shout hallelujah. एक हालेलुया चिल्लाए. How many of us want to rejoice when we go through suffering because of Jesus? Shout hallelujah. जो लोग यीशु मसीह के नाम के खातिर दुख और क्लेशों में जाएंगे तो भी खुशी मनाएंगे बोलने वाले, हालेलुया बोलिए. Those who can say I will jump and rejoice, shout three hallelujah. और जो लोग ये कहते हैं कि मैं दुख और क्लेशों के मध्य में उछल के आनंदित बनाऊंगा, वो लोग तीन हालेलुया बोलेंगे. By forgiving our sin, God has given us the joy of salvation. पाप की क्षमा के द्वारा परमेश्वर ने हमें उद्धार का आनंद दिया है. May God help us to practice every word of God and help us to go on into the fullness of joy. परमेश्वर हर एक वचनों को पालन करने के लिए हमको अनुग्रह दे और उसकी आनंद की परिपूर्णता में हमको ले जाए. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो.